हेलो फ्रेंड्स, एठे हम डिस्कशन करिबा नवम श्रेणी ज्यामिति रो अनुशीलनी एक रो सी रो टोटल सब जा क्वेश्चन एठे हम गोटे वीडियो रे डिस्कशन करिबा। जदी कहा को गोटे स्पेसिफिक गोटे नंबर दरकार ताहले से माने कोन करि परिबे डिस्क्रिप्शन को जिबे, डिस्क्रिप्शन को स्क्रॉल डाउन करिबे। स्क्रॉल डाउन कला परे तळे हमरो चैप्टर्स बोली आसीबो, से चैप्टर्स को गले तुम्हें इंडिविजुअली गोटे गोटे नंबर से पाई पारिबे। जदि डायरेक्ट सात नंबर दरकार अछि ताहेले चैप्टर्स को जाई स्क्रॉल करिबे, सात नंबर को पाई जाई क्लिक कले सात नंबर को केवल देखि पारिबे। ठीक अछि, जिबा अनुशीलनी को। अनुशीलनी को जिबा पूर्वरु एई अनुशीलनी पई आवश्यक किछि कांसेप्ट एठे हमें आलोचना कर दबा। एठी बेसी किछि कांसेप्ट नाही, गोटे हला समांतर सरल रेखा, आउ गोटे हला समांतर सरल रेखा ओ सेमानंकर छेदक। ए दुईटि जिनिष आमे जदि जदि बुझि जेबा ताहेले आराम रे एई अनुशीलनी को कहि परिबा। देखो प्रथमे देखिबा समांतर सरल रेखा काहाकु कहा जाए। समांतर सरल रेखा काहाकु कहा जाए, एक समतल रे अवस्थित दुईटि पृथक सरल रेखा जदि परस्पर को छेद न करंती तेबे सेमाने समांतर सरल रेखा कहा जाए। अर्थात जदि गोटे समतल रे दुईटि सरल रेखा अछंती, देखो एटा गोटे सरल रेखा मन कर यार ना एल वन, एठी आउ गोटे सरल रेखा अछि यार ना होची एल टू, एमाने परस्पर छेद जदि करिबे नाही ताहेले एल वन आउ एल टू को समांतर कहिबा। समांतर माने आमे एमिति लिखिबा एल वन समांतर एल टू, एटा होची समांतर चिन्ह। ठीक अछि, अर्थात एल वन सरल रेखा केवल एतिक नाही एटा एपटे लंबीची एटा एपटे लंबीची, एल टू सरल रेखा केवल एतिक नाही एटा एपटे लंबीची एपटे मध्ये लंबीची। आमे एपटे आउ एपटे जेते लंबैले मध्ये जदि ए दुईटी सरल रेखा केबे मध्ये छेद करिवे नाही सेही क्षेत्र रे आमे कहि परिबा एल वन समांतर एल टू। ठीक अछि, नेक्स्ट देखिबा समांतर सरल रेखा दुईटी कोण बुझिले। नेक्स्ट देखिबा समांतर सरल रेखा मध्ये किछि धर्म आमे आलोचना करिबा। प्रथमे देखिबा आमे देखो एठी गुटे सरल रेखा अछि एल वन, यार बहिस्थ गोटे बिंदु मन कर एठी अछि पी, पी बिंदु दे आमे केतोटी सरल रेखा एल वन सहित समांतर अंकन करि पाइबा। देखो पी बिंदु दे आमे केवल गोटे सरल रेखा अंकन करि पाइबा जहा कि एल वन सहित समांतर। आमे अनेक सरल रेखा एमिति पी बिंदु दे अंकन करि पाइबा नाही, एक रु अधिक आमे सरल रेखा अंकन करि पाइबा नाही, एटा होची हमर स्वीकार्य नह। ठीक अछि, एटा केतल मन रखिथिबा जेतोले आमे अनुशीलन को जिबा आवश्यक पड़ी पारे स्वीकार्य न। ठीक अछि, स्वीकार्य न, स्वीकार्य न कोन कहुछि गोटे दत्त सरल रेखार बहिस्थ गोटे बिंदुरु सेही सरल रेखा प्रति केवल गोटे मात्र समांतर सरल रेखा अंकन करा जाई पारिबो। ठीक अछि, मन रखिबा। नेक्स्ट आउ गोटे सरल रेखा रो गोटे धर्म देखिबा कोन ना, गोटे सरल रेखा एल वन अछि एल वन सहित आउ गोटे सरल रेखा अछि एल टू, एल टू एल वन सहित समांतर, अर्थात एल वन सहित समांतर एल टू अछि, एल वन सहित समांतर होइ आउ गोटे सरल रेखा एल टू अछि, सेमिति एल वन सहित समांतर होइ आउ गोटे सरल रेखा एल थ्री अछि मानकर। ठीक अछि, अर्थात कोन एल वन समांतर एल थ्री, कोन कहुछि एल वन समांतर एल टू, एल वन समांतर एल थ्री जदि हेला ताहेले एल टू समांतर एल थ्री हब, अतएव आम लेखि पारिबा एल टू समांतर एल थ्री। ठीक अछि, अर्थात से कोन कहिछि गोटे दत्त सरल रेखा प्रति समांतर थिबा जत्ते गुडीको सरल रेखा सेमाने परस्पर समांतर हेबे, एल वन सहित ये समांतर एल वन सहित ये समांतर, अर्थात ए दुईटा मध्य समांतर हेबे। एटा होची गुटे धर्म, एटा को मन रखिबा, एटा होची हमर उपपाद्य तीन कहू, एटा कहिबा उपपाद्य तीन। एगुडिकर समस्तंकर प्रमाण ऑलरेडी अपलोड हो सारी, उपपाद्य गुडिकर सेटा प्लेलिस्ट को जाय देखि पारिबो। एटा खाली मन रखिबा जेहेतु हमर अनुशीलन को जाउछु धर्म गुडी को केवल मन पकाउछु। ठीक अछि, उपपाद्य कोन कहू गोटे सरल रेखा प्रति समांतर थिबा सरल रेखा गुडिक परस्पर समांतर। ठीक अछि, नेक्स्ट जीवा आमे समांतर सरल रेखा
ओ सेमानंकर छेदक ठीक अछि समांतर सरल रेखा माने कोण आमे जाणिलु दुईटी सरल रेखा L1 आउ L2 जदि केबे छेद न करंती ताहेले सेमानकु समांतर कहुचु सेमानंकर छेदक माने कोण जदि गुटे सरल रेखा एही अवस्था रे थिबो ताहेले ताकु कहिबा छेदक अर्थात एही L3 सरल रेखा L1 आउ L2 रो छेदक अटे ठीक अछि एही छेदक द्वारा आमे केतटा कोण उत्पन्न होचि देखिबा ना 1 2 3 4 5 6 7 8 ठीक अछि 8 टी कोण उत्पन्न होचि एही 8 टी कोण गुडी को मध्येर संपर्क जदि जानि देबा ताहेले आमे आराम रे गणित करि परिबा प्रथमे देखो एको आउ 5 ए दुईटी कोण मध्येर ए दुईटी कोण रो ना कोण एमान होचुदि परस्पर अनुरूप कोण कोण कहिबा अनुरूप कोण ठीक अछि एको आउ 5 अनुरूप कोण अर्थात एको कोण 5 रो अनुरूप 5 कोण एको रो अनुरूप ठीक अछि सेमिति देखो हेले एमान मध्येर संपर्क कोण एमान को मध्येर संपर्क हला ना देखो अनुरूप कोण जडा गुड़ी को समपरिमाण विशिष्ट अर्थात एको कोण एको समान कोण 5 कहिबा तीनोटी केवल इ जो कोण मानक मध्येर संपर्क तीनोटी आमर धर्म रहिछि से तीनटा धर्म को जदि बुझि देबा ताहेले आमे आराम रे करि परिबा गोटे धर्म कोण ना अनुरूप कोण जोडा समपरिमाण विशिष्ट अर्थात एही जो छेदक आउ एही जो दुईटी सरल रेखा आउ तार छेदक द्वारा उत्पन्न हितवा अनुरूप कोण गुडी को समपरिमाण विशिष्ट एटा होचे गुटे गुण ताहेले देखो इठी केवल गुटे जोडा अनुरूप कोण अछंती की आउ अछंती देखो 1 र 5 अनुरूप सेंति 2 र 6 मध्ये अनुरूप तेनो आमे लेखि परिबा एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6 लिख परिबा सेमिति देखो एंगल 3 र अनुरूप कोण एंगल 7 तेनो आमे लेखि परिबा एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7 सेमिति आमे लेखि परिबा एंगल 4 र अनुरूप एंगल 8 तेनो एंगल लिख परिबा एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8 इठे आमे केते जोडा अनुरूप कोण पाइले 1 5 गुटे जोडा 2 6 गुटे जोडा 3 7 गुटे जोडा 4 8 गुटे जोडा 4 जोडा आमे अनुरूप कोण जोडा पाइले ले गोटिए धर्म आमे जानिलु कोण ना दुईटी समांतर सरल रेखा आउ गोटिए छेदक द्वारा उत्पन्न होतबा अनुरूप कोण जोडा गुडी को समपरिमाण विशिष्ट एटी गुटिए धर्म जानिलु याको कहबा आमे उपपाद्य 4 ये होछ हमरो उपपाद्य 4 ठीक अछि एही धर्म अनुरूप कोण जोडा गुडी को समपरिमाण विशिष्ट एटा होछ हमरो उपपाद्य 4 ठीक अछि नेक्स्ट देखिबा आउ गुटे धर्म कोण ना एकांतर कोण जोडा समपरिमाण विशिष्ट एकांतर कोण कहा को कहिबा एकांतर कोण कहा को कहिबा देखो एठी हमर एठी गुटे छेदक अछि ए दुटा समांतर छेदकर एही पटे एंगल 3 अछि एही पटे कोण अछि एंगल 6 अछि ठीक अछि 3 आउ 6 ए दुईटे होचे एकांतर सेमिते एटा 4 आउ 5 4 आउ 5 ए दुईटे होचे एकांतर कोण ठीक अछि देखिबा एकांतर कोण गुडी को कोण ना दुईटी जाको अंतस्थ कोण बाहरे नाहंती अंतस्थ अछंती गोटिए कोण छेदकर ए पटे रहिले आउ गुटे से पटे रहउची आउ गुटे उपरे रहिले गुटे तळ रहउची तण मने रखिबा एटार एकांतर कोण एटा एही कोण रो एकांतर कोण एटा टोटल हमर दुईटी एकांतर कोण जोडा आमे पाइबा ठीक अछि एठी आमे जानिलु कोण एकांतर कोण जोडा समपरिमाण विशिष्ट एटा होछि हमर उपपाद्य 5 ठीक अछि उपपाद्य 5 उपपाद्य 5 कोण कहउछि दुईटी समांतर सरल रेखा गोटे छेदक द्वारा उत्पन्न होतवा एकांतर कोण जोडा गुडी को समपरिमाण विशिष्ट समपरिमाण विशिष्ट ठीक अछि मने रहइबो प्रथमे उपपाद्य 4 रे पढिथिलु अनुरूप कोण जोडा गुडी को समपरिमाण विशिष्ट सेमिति उपपाद्य 5 रे पढिलु
একান্তর কোণ জোড়া গুড়ি সমপরিমাণ বিশিষ্ট। দেখো একান্তর কোণ জোড়া গুড়ি সমপরিমাণ বিশিষ্ট, এটা হচ্ছে উপপাদ্য পাঁচ। উপপাদ্য ছয়ে আমি পড়া ঠিক ইয়ার উল্টাটা, অর্থাৎ উপপাদ্য পাঁচ আমি কোণ পড়লু দুইটি সমান্তর সরলরেখা গোটিয়ে ছেদক দ্বারা উৎপন্ন হওয়া একান্তর কোণ গুড়িক সমপরিমাণ বিশিষ্ট। হলে ইয়ার উল্টাটা কোণ হব, দুইটি সরলরেখা আর গোটিয়ে ছেদক দ্বারা সৃষ্টি হওয়া একান্তর কোণ গুড়িক সমান হলে সরলরেখা দ্বয় সমান্তর। উপপাদ্য পাঁচরে সে দেইথিব সমান্তর বলি প্রমাণ করা পড়ব, এ দুইটা সমান বলি। উপপাদ্য ছয়রে সে এ দুইটা সমান বলে দেইথিব, আমাকে এ দুইটা সমান্তর বলে প্রমাণ করা পড়ব। ঠিক আছে, ঠিক ইয়ার উল্টা এসবুর প্রমাণ অলরেডি অপলোড হয়ে সারিছি, তোমাদের প্লে লিস্ট কু যাই দেখিপার। ঠিক আছে, নেক্সট দেখিবা আউ গোটে ধর্ম অছি যাহাকে বুঝিদেলে কমপ্লিট হয়ে যাব। ছেদকর এক পার্শ্বস্থ অন্তঃস্থ কোণ দ্বয় পরস্পর পরিপূরক। ছেদকর এক পার্শ্বস্থ অন্তঃস্থ, দেখো এল থ্রি হচ্ছে আমার ছেদক, ইয়ার দুইটি পার্শ্ব অছি, এপটে গোটে পার্শ্ব এপটে গোটে পার্শ্ব। ঠিক আছে, দুইটি পার্শ্ব যদি লক্ষ্য করিবা এপটে চারোটি কোণ অছি এপটে চারোটি কোণ অছি, দেখো এক দুই তিন চারোটি কোণ অছি এপটে এক দুই তিন চারোটি কোণ অছি। ছেদকর এক পার্শ্বস্থ অন্তঃস্থ কোণ কাহাকু কহিবা, অন্তঃস্থ কোণ বলে কলে এ দুইটা দেখো বহিঃস্থ কোণ, এ দুইটা অন্তঃস্থ কোণ। ঠিক আছে, হলে তার অর্থ সে কইছি এক পার্শ্বস্থ অন্তঃস্থ, তার অর্থ এই পার্শ্বরে এক পার্শ্বস্থ হচ্ছে এ চারিটা, এমানকর অন্তঃস্থ মানে এ দুইটা তিনি আর পাঁচ, তিনি আর পাঁচ। সেমিতি এপটে যদি দেখিবা চারি আর ছ হচ্ছে এক পার্শ্বস্থ অন্তঃস্থ কোণ, চারি আর ছ এমানক মধ্যে সম্পর্ক কোণ কইছি, ছেদকর এক পার্শ্বস্থ অন্তঃস্থ কোণ দ্বয় পরস্পর পরিপূরক, অর্থাৎ এ দুইটা সমান নাহি এমানে পরস্পর পরিপূরক। পরিপূরকর অর্থ আমি জানিছু যে দুইটি কোণর পরিমাণ মিশিলে শহে অশী ডিগ্রি হব, তাহলে সেমানকু পরস্পর পরিপূরক করিবা, তেণু তিনি আর পাঁচ যদি পরিপূরক হবে আমি কইপারিবা এঙ্গেল থ্রি প্লস এঙ্গেল ফাইভ ইজ ইকুয়াল টু শহে অশী। ঠিক আছে, ছেদকর এক পার্শ্বস্থ অন্তঃস্থ কোণ হলে তিনি আর পাঁচ, সে দুইটার সমষ্টি শহে অশী ডিগ্রি। সেমিতি আমি কইপারিবা এঙ্গেল ফোর প্লস এঙ্গেল সিক্স ইজ ইকুয়াল টু শহে অশী, এইটা হচ্ছে আমার উপপাদ্য সাত, এটা হচ্ছে আমার উপপাদ্য সাত। উপপাদ্য সাত কোণ কুচি দুইটি সমান্তর সরলরেখা গোটিয়ে ছেদক দ্বারা উৎপন্ন হওয়া এক পার্শ্বস্থ অন্তঃস্থ কোণ দ্বয়ের পরিমাণ পরস্পর পরিপূরক। সেমিতি উপপাদ্য আট কোণ কইব, উপপাদ্য আট কোণ কইব, ঠিক ইয়ার উল্টাটা। উপপাদ্য সাতরে এ দুইটা সে সমান্তর বলে কইছি, আমাকে প্রমাণ করিয়া পড়িব এ দুইটা মিশিলে শহে অশী। উপপাদ্য আটরে কোণ কইব না এ দুইটা মিশিলে শহে অশী দিয়ে দেইথিব, আমাকে প্রমাণ করিয়া পড়িব এ দুইটা সমান্তর বলে। ঠিক আছে, এসবুর প্রমাণ অলরেডি অপলোড হয়ে সারিছি, এটি খালি আমি মনে পকাইলে সমান্তর সরলরেখা কোণ, সমান্তর সরলরেখা ও ছেদক কোণ, ছেদক দ্বারা উৎপন্ন হওয়া কোণ গুড়ি মধ্যে সম্পর্ক কোণ, সেটিকে আমি ডিসকশন কলে নেক্সট যা আমি অনুশীলন। ঠিক আছে, দেখো কোশ্চেন নম্বর ওয়ান কোণ কইছি, নিম্নলিখিত উক্তি গুড়ি ঠিক বা ভুল লেখ। এরে কোণ কইলা এল ওয়ান সমান্তর এল টু, এল টু সমান্তর এল থ্রি, এল এল ওয়ান সমান্তর এল থ্রি। দেখো এইটি এল টু অছি, এইটি এল টু অছি, এল টু সহ এল ওয়ান সমান্তর, এল টু সহ এল থ্রি সমান্তর। হলে আমাকে সে কইছি এল ওয়ান আউ এল থ্রি সমান্তর বলে কইছি। উপপাদ্য তিন রে আমি পড়িছু গোটিয়ে সরলরেখা সহিত সমান্তর থিবা যেতে সবু সরলরেখা সেমানে পরস্পর সমান্তর, তেণু এইটি আমি কইপারিবা এল ওয়ান আউ এল থ্রি সমান্তর হবে, তেণু এটাকে আমি ঠিক বলে কইপারিবা। নেক্সট দেখিবা এল ওয়ান লম্ব এল টু, এল টু লম্ব এল থ্রি, তাহলে এল ওয়ান লম্ব এল থ্রি এইটি সমান্তর ক্ষেত্রে এটা আমার ঠিক হব, কিন্তু যেহেতু এইটি সে লম্ব কইছি তেণু এটা ভুল হব। দেখো যদি আমি দেখিবা এটা এল ওয়ান এইটা এল টু, এল ওয়ান লম্ব এল টু, সেমিতি এল টু লম্ব এল থ্রি, এল থ্রি আউ গোটে সরলরেখা আছে যাহাকি এল থ্রি, এটা আমার এল থ্রি যাহাকি এল টু প্রতি
लंबो हेले हमको L1 आउ L3 लंबो हेबे कि L1 आउ L3 लंबो हेबेनी बरम समांतर हेबे तनो एटा हमरो भूल आसीबो नेक्स्ट देखिबा सी रे कोन कोइची L1 इज इक्वल टू L2 हेले L1 समांतर L2 हेबे कि देखो आमे जेतो बले समांतर सरलरेखार संज्ञा पढिथिलु सेट लेखिथिला कोन एको समतल रे अवस्थित दुईटी पृथक सरलरेखा परस्पर छेद न कले सेमानुकु समांतर कहाजिबो दुईटी पृथक सरलरेखा कथा सेठी कहिछि एठी किंतु L1 आ L2 एको अभिन्न कहिछि तेनु ए दुईटी समांतर हेइ परिबे नाही ठीक अछि नेक्स्ट देखिबा डी रे कोन कहिछि दुईटी समांतर सरलरेखा एको समतल रे अवस्थित एटा निश्चित ठीक हो काहे किना सेही संज्ञा रही पढ़थिलु एको समतल रे अवस्थित दुईटी सरलरेखा परस्पर छेदन कले से माने समांतर हेबे तेनु एठी कहिछि दुईटी समांतर सरलरेखा एको समतल रे ही रहिबे नेक्स्ट देखिबा ई रे कोन कहिछि एबीसी आ डीएफ कोण मध्य रे एबी समांतर ईडी बीसी समांतर ईएफ देखिबा काटिबा दुईटी कोण एबीसी आ एबीसी आ डीईएफ एबी आ डीईएफ माने कर एठी आमे आउट कोण अछि डीईएफ DE देखो ABC और DEF दुईटी कोण एठी AB समांतर DE AB और DE समांतर कहिछि BC समांतर EF BC और EF समांतर कहिछि हेले ABC इज इक्वल टू DEF हेबे कि ABC एई कोण और एई कोण समान हेबे कि से कोण कहिछि ये आ सहित समांतर और ये आ सहित समांतर हेले एई कोण समान हेबो बोली कहिछि निश्चित हबो काहे कि ना देखो एठी देखिबा एटा एटा समांतर एटा छेदक ताहले एई कोण समान हबो सेमिति एटा एटा समांतर एटा हमर छेदक हले एई कोण समान हेबे तेनु एई कोण समान एई कोण समान तेनु एई कोण समान हेबो बोली आमे प्रमाण करि परिबा तेनु एई कोण समान बोली कहिछि एई युक्तिटा हमर ठीक हबो ठीक अछि बहुत सहज जिंस नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन नंबर 2 देखो इट्स ए क्वेश्चन नंबर 2 कोण कहिछि पार्श्वस्थ चित्र 1.45 रे L1 समांतर L2 एटी L1 L2 समांतर L3 समानकर छेदक L3 समानकर छेदक छेद बिंदु रे उत्पन्न कोण गुडीको 1 2 3 4 एमिति 8 8 पर्यंत संख्या द्वारा चिन्हित 1 2 3 4 5 6 7 8 आकार रे समानकु चिन्हित करा जाइछि एमएंगल 3 जदि 65 डिग्री हेले अन्य कोण गुडीकर परिमाण स्थिर कर से देछि एमएंगल 3 माने ए कोण रो परिमाण देछि 65 डिग्री ताहेले से अन्य कोण गुडीको निर्णय करबाकु कहिछि ठीक अछि हेले हमकु दरकार एमएंगल 3 देछि 65 डिग्री अन्य कोण गुडीको हमकु निर्णय करबाकु पडिबो ठीक अछि वर्तमान देखो आमे जेउ धर्म गुडीको जानिछु सेटा आमे मने पकेबा प्रथमे सेही अनुसार आमे कोकु कोण गुडीको आनि परिबा ताको आमे चेष्टा करबा एम एंगल 3 जदि 65 डिग्री यार अनुरूप कोण एम एंगल 7 केते आसीबो 65 डिग्री आमे जानिछु कोण ना अनुरूप कोण गुडीकर परिमाण समान तेनु एम एंगल 3 65 अतएव एम एंगल 7 केते आसीबो हमरो 65 डिग्री काहे कि ना अनुरूप कोण ठीक अछि सेमेति एम एंगल 3 रो कोण हमर एकांतर कोण कोटा एम एंगल 3 रो एकांतर कोण होची एटा एम एंगल 6 तेनु आमे जानिचु एकांतर कोण गुडी कर परिमाण समान तेनु एटी एम एंगल 3 जेहेतु 65 डिग्री एम एंगल 6 मध्ये हमर आसीबो 65 डिग्री एठी लेखिबा आमे एम एंगल 6 केते आसीबो 65 डिग्री एठी आमे कोण लेखिबा एकांतर कोण ठीक अछि अनुरूप सरला एकांतर सरला आउ कोण जानिछु आमे आगु जानिछु प्रतिप कोण देखो 3 रो प्रतिप कोण 2 हबो प्रतिप कोण गुडी कर परिमाण समान तेनु एम एंगल 2 इज इक्वल टू 65 डिग्री आमे लिखि परिबा एम एंगल 2 केते आमे लिखि परिबा 65 डिग्री काहे कि 3 आउ 2 प्रतिप कोण दुईटी सरल रेखा परस्पर छेद कले उत्पन्न होतवा प्रतिप कोण गुडी को समान तेनु आमे एम एंगल 2 इज इक्वल टू मध्ये 65 लिखि परिबा काहे कि ना एटा हैला 3 आउ 2 प्रतिप कोण ठीक अछि आमे सीए ऑलरेडी गोटे कोण देछि आउ तीनटा कोण आले आउ चारिटी कोण हमकु दरकार
ठीक अच्छे देखा आम अगर कोण गुड़िक आने चेस्ट करवा एम एंगल थ्री दे पंचषठ डिग्री सीए दत्त आम जानचु एम एंगल थ्री आम एंगल फाइव मिसले शहे अशी डिग्री एम एंगल थ्री प्लस एम एंगल फाइव इज इक्वल टू शहे अशी डिग्री जेहेतु एगुड़ी हेल्ला गोटे छेदक एक पार्श्वस्थ अंतस्थ कोण छेद पार्श्व आम जानचु उपाद्य सात बोधे आम जानचु कोण ना छेदक एक पार्श्वस्थ अंतस्थ कोण गुड़िक परिमाण समष्टि शहे अशी अंतस्थ कोण गुड़िक परस्पर परिपूरक तेणु एगुड़िक मिसले शहे अशी इम्प्लाइज एठ आम पाई के एम एंगल फाइव केमें शहे अशी माइनस एम एंगल थ्री सेपटे नहीं गले एम एंगल थ्री के पंचषठ डिग्री इम्प्लाइज केम एंगल फाइव केमें शहे अशी रु पंचषठ गले आम आईला के शहे पंदर डिग्री ठीक अच्छे एम एंगल फाइव केमें ये कोण परिमाण पाइले के शहे पंदर डिग्री एम एंगल फाइव के शहे पंदर डिग्री बर्तमान एम एंगल फाइव को देखी अन्य कोण परिमाण आनी पारा जदि एम एंगल फाइव शहे पंदर डिग्री है यार अनुरूप कोण एम एंगल वन केसबे पंदर डिग्री तेणु एम एंगल वन केसबे पंदर डिग्री सेमती एम एंगल फाइव जदि शहे पंदर डिग्री आईला एम एंगल फोर कौन हम इटा इटा कौन हम एकांतर कौन फाइव वन शहे पंद्रह कहीं इटा अनुरूप कौन कार ना एम एंगल फाइव रूप कौन ये आम लिखिपर जेहेतु तो सर्टकट सर्ट क्वेश्चन तेणुकर मुझे डिटेल्स लिखु ठीक अच्छे सेमती आम ये कौन कह एम एंगल फाइव जो पंच शहे पांच डिग्री हेले एम एंगल फोर केम एंगल फोर आसवर शहे पंद्रह डिग्री कहीं एम एंगल फाइव रर कौन हो एम एंगल फोर एम एंगल फाइव रर कौन लिखिपर से गोटे कोण रहा कौन एम एंगल एट एम एंगल एट केसबण परिमाण यहाँ आम जान लु शहे पंद्रह डिग्री एटा हूँ यार प्रतीप कोण तेणु यहाँ शहे पंद्रह डिग्री केसबे पंद्रह डिग्री एम एंगल फाइव रतीप कोण एमती आम सब कोण परिमाण आम आईभिया पिस्थित गोटे कोण परिमाण जदि आम जाना सब कोण परिमाण आम आनी ठीक अच्छे बहुत सहज ये केवल आम यूज करवा कौन ना अनुरूप कोण संपर्क जानचु एकांतर कोण संपर्क जानचु प्रतीप कोण आगर जानचु आउ एक पार्श्वस्थ अंतस्थ कोण द्वार संपर्क जानचु एति यूज कर गोटे कोण परिमाण देते सब कोण परिमाण आम आनी ठीक अच्छे जदि आम लॉन्ग क्वेश्चन पड़चे मान तीन मार्क चार मार्क जदि आम क्वेश्चन अच्छी आम डिटेल्स लिखा गणित प्राय एक नंबर क्वेश्चन आसीपा तेणु ये डिटेल्स लिखी खाली मुझे बुझेदेली ठीक अच्छे नेक्स्ट देखा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखा क्वेश्चन नंबर तीन ये पार्श्वस्थ चित्र एक दशमिक पांच शून्य एलवान समांतर एल टू एलवान समांतर एल टू एल थ्री समांतर एल फोर एल थ्री समांतर एल फोर चित्र निम्नलिखित कोण गुड़िक परिमाण स्थिर कर शून्य स्थान पूरण कर सीए किसी कोण परिमाण निर्णय करने को सीए देख यही कोण परिमाण देती साठी डिग्री आमको यही कोण गुड़िक परिमाण निर्णय करने को पड़ो ठीक अच्छे बर्तमान देख मन कर या आम यही कोण ना देद आम ए ठीक अच्छे मन कर यही कोण परिमाण को आम ना देद ए ए कोण परिमाण देखो एक्स आर एक्स एस जेड पी क्यू यही कोण गुड़िक परिमाण निर्णय करने को पड़ो ठीक अच्छे प्रथम देखा आम जो यही कोण परिमाण 60 डिग्री हम ताल यही कोण परिमाण केते हम देखा देखो आमको दे एल थ्री समांतर एल फोर देल थ्री समांतर एल फोर दे जदि एल वन तार गोटे छेदक है ए कोण एवं एक्स कोण मध्य संपर्क कोण एम अनुरूप कोण तेणु एटा जदि 60 डिग्री है यही कोण परिमाण आम पाइबा 60 डिग्री एक्स कोण परिमाण केते पाइले 60 डिग्री कहीं ये आम लिखिपर एंगल ए रो
अनुरूप कोण ठीक अछि गोटे कोण पाइले नेक्स्ट देखिबा आमे जदि एई कोण रो परिमाण एक्स पाइले एक्स रो परिमाण पाइले 60 डिग्री ताहेले आमे जेड कोण रो परिमाण केते पाइबा देखिबा ठीक अछि जेड कोण रो परिमाण केते पाइबा ना जेड इज इक्वल टू कोण ना L1 समांतर L2 से देइछि L1 समांतर L2 देइछि L4 यार छेदक ताहेले x कोण आउ z कोण मध्येर संपर्क कोण ए माने अनुरूप कोण आमे x रो परिमाण 60 डिग्री आइलु तेनु z कोण मध्ये 60 डिग्री आसीबो जेतु अनुरूप कोण गुडीकर परिमाण समान तेनु z रो कोण z कोण रो परिमाण पाइले केते 60 डिग्री एठी आमे देखि परिबा x कोण रो अनुरूप कोण ठीक अछि दुईटी कोण पाइले नेक्स्ट देखो जेड कोण जदि आमे 60 डिग्री पाइले पी कोण केते आसीबो पी कोण होउछि जेड कोण रो प्रतिप कोण तेनु एटा मध्ये 60 डिग्री पाइबा तेनु पी कोण केते पाइले आमे 60 डिग्री ठीक अछि काहे कि ये होउछि हमरो एंगल जेड रो प्रतिप कोण ठीक अछि तीनोटी कोण पाइले आ दुईटी आ तीनोटी कोण रहिला वर्तमान देखो एई कोण आ एई कोण मध्ये रे संपर्क कोण ए कोण एवं आर कोण मध्ये रे संपर्क कोण आमे जानिछु L3 L4 समांतर L3 L4 समांतर L1 यार छेदक ताहेले आमे एई कोण होची एको पार्श्वस्थ अंतस्थ कोण एंगल ए आ एंगल ए प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री होबो काहे किना एको पार्श्वस्थ अंतस्थ कोण द्वय परस्पर परिपूरक हेबे तेनु आमे ए दिगर परस्पर परिपूरक अर्थात से दुइटर समष्टि 180 डिग्री वर्तमान आमे एम एंगल ए देछि 60 डिग्री 60 डिग्री प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री इंप्लाइज एंगल आर केते आसीबो 180 माइनस 60 इज इक्वल टू आसीला केते 120 डिग्री एंगल आर केते पाइले इटा हमरो 120 डिग्री एंगल आर केते पाइले 120 डिग्री एठ लिख परिबा हमें एंगल ए प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री काकि ना ए दुइटा हला एको पार्श्वस्थ अंतस्थ कोण तेनु समानकर समष्टि 180 डिग्री वर्तमान हमें एंगल आर पाइले एंगल आर रु हमें आउ कोण दरकार हमकु हम एंगल एस आनी परिबा एंगल एस केते आसीबो एंगल आर रो प्रतिप जेहेतु एंगल एस तेनु एटा मध्ये 120 डिग्री हबो जेहेतु प्रतिप कोण गुडी को परस्पर समान दुईटी सरल रेखा छेद कले उत्पन्न होतवा प्रतिप कोण गुडी को समान तेनु एटा 120 डिग्री हेले एटा मध्ये 120 डिग्री हबो तेनु हमें लिख परिबा एम एंगल एस इज इक्वल टू 120 डिग्री एठी लिख परिबा कोण एंगल आर रो प्रतिप कोण आ गुटे कोण रहला एंगल क्यू केते आसीबो देखो एंगल एस हम आन देछु 120 डिग्री अतः एंगल क्यू इज इक्वल टू 120 डिग्री आसीबो काहे किना L1 समांतर L2 L4 यार छेदक हेले एस आ क्यू हला अनुरूप कोण तेनु एंगल क्यू केते आसीबो 120 डिग्री काहे किना एंगल एस रो अनुरूप कोण ठीक अछि एई भले आपरे हमें गोटिए कोण रो परिमाण देथिले समस्त कोण रो परिमाण हमें निर्णय करि परिबा ठीक अछि आशा करछि बुझि पारथिबे धन्यवाद देखो क्वेश्चन नंबर 4 कोण कहै छी पार्श्वस्थ चित्र रे L1 समांतर L2 L1 समांतर L2 चित्र को व्यवहार करी ए बी सी डी द्वारा कोण गुडी को चिन्हित कोण गुडी कर परिमाण स्थिर करो हमकु ए बी ए बी सी डी ए कोण गुडीकर परिमाण निर्णय करिया पडिबो से आउ दुईटी तत्व देछि देखो ए कोण रो परिमाण 75 डिग्री देछि ए कोण रो परिमाण 130 डिग्री देछि ठीक अछि हमर सुविधा पई याको हमें एक्स वाली ना देले हाको हमें वाई वाली ना देले ठीक अछि दुईटी कोण रो परिमाण देछि हमकु ए दुईटी समांतर बोली देछि अन्य कोण गुडीकर परिमाण निर्णय करबा पई कहै छी ठीक अछि देखो किभली आनी परिबा देखो आमे जानिछु L1 समांतर L2 से देछि L1 समांतर L2 एवं याकु ना दे देबा L3 याकु ना दे देबा L4 L3 यार गुटे छेदक ओ कोण लिख परबा L3 एको छेदक
जदि एल वन एल टू समांतर एल थ्री छेदक कोण एक्स आउ कोण डी मध्य संपर्क कोण देखो दुईटी समांतर सरलरेखा गोटे छेदक हेले एई कोण एई कोण होची परस्पर एकांतर कोण ए दुईटी कोण एकांतर कोण ओ आउ एकांतर कोण गुडी को पर परिमाण समान तेणु आम लिखि पारिबा एंगल डी इज इक्वल टू कोण पर लिखि पारिबा एंगल एक्स लिखि पारिबा एई कोण समान लिखि पारिबा बा एंगल डी जोड़ो केते पाइले आमे एक्स जगह मूल्य पकेदेवा केते 75 डिग्री गोटे कोण परिमाण पाइले आमे केते 75 डिग्री एंगल डी जोड़ आसला 75 डिग्री ठीक अछि। नेक्स्ट देखो एई कोण रो परिमाण 75 डिग्री देछि हेले एई कोण रो परिमाण केते आसीबो एक्स कोण आ ए कोण परस्पर प्रतिपक कोण रो परिमाण समान एई कोण प्रतिपक तेणु एई कोण रो परिमाण समान तेणु एंगल एक्स तेणु आमे लिखि परिबा एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एक्स इम्प्लाइज एंगल ए केते पाइबा एंगल एक्स देछि 75 डिग्री तेणु एंगल ए रो परिमाण केते पाइले आमे 75 डिग्री दुईटी कोण रो परिमाण आमे पाइगले ठीक अछि। नेक्स्ट देखिबा आमे एठी मध्ये देखो एल वन एल टू समांतर एल वन समांतर एल टू एवं एल फोर यार छेदक एल फोर छेदक एठी देखो एंगल वाई आउ एंगल सी मध्ये संपर्क एमाने मध्ये एकांतर हेबे एंगल सी इज इक्वल टू एंगल वाई हेबे काहेकि ना एमाने एकांतर कोण इम्प्लाइज एठु आमे पाइबा कोण एंगल सी इज इक्वल केते पाइबा 130 डिग्री एई कोण समान एई कोण परिमाण 130 डिग्री देछि तेनो एंगल सी केते पाइबा 130 डिग्री एंगल सी रो परिमाण केते आसिला 130 डिग्री सेमिते देखो वाई आउ बी मध्ये संपर्क कोण ए माने हैला प्रतिपक कोण तेनो वाई जदि 130 डिग्री बी मध्ये 130 डिग्री हबो ए लिख परिबा बी केते 130 डिग्री एई बोले आबर आमे चारटी जगह कोण रो परिमाण पाइगले ठीक अछि। बहुत सहज आशा कर बुझी पार्थे। नेक्स्ट देखा क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्वेश्चन नंबर 5 और देछि पार्श्वस्थ चित्र रे ए बी समांतर सी डी ए बी समांतर सी डी एवं ए डी समांतर बी सी ए डी समांतर बी सी चित्र रु एक्स वाई आउ जेड रो मान स्थिर कर एक्स वाई जेड कोण रो मान निर्णय कर सी आउ गोटे दत्त देछि एंगल बी रो परिमाण देछि 48 डिग्री ठीक अछि हेले हमकु एक्स आउ वाई आउ जेड रो कोण रो मान निर्णय करबा को पड़िबो ठीक अछि केवल निर्णय करबा देखो हमकु से देछि ए बी समांतर सी डी ए बी समांतर सी डी देछि ए बी समांतर सी डी बी सी यार गोटे छेदक बी सी यार एक छेदक अतएव एठी आमे लिखि पारिबा एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री लिखि परिबा काहेकि ना देखो आमे जानचू दुईटी समांतर सरल रेखा को गोटे छेदक छेदक ले सेठी उत्पन्न होतवा एक पार्श्वस्थ अंतस्थ कोण गुडीकर परिमाणर समष्टि 180 बा सेमाने परस्पर परिपूरक देखो एठी मध्य एई सरल रेखा एई रेखा समांतर देछि एटा गोटे छेदक ताहले एई कोण ए दुईटा होछि आमर कोण ना एक पार्श्वस्थ अंतस्थ कोण तेणु ए दुईटार समष्टि केते हबो 180 डिग्री हबो परस्पर परिपूरक अर्थात सेमाने मिसिले 180 डिग्री इम्प्लाइज एठु आमे पाई परिबा देखो एंगल बी देछि से केते ना 48 डिग्री प्लस एंगल सी बोले से देछि एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू केते आसीबो 180 माइनस 48 आसीबो केते 132 डिग्री पाइ हेले गोटे कोण रो परिमाण पाइले आमे केते 132 डिग्री एक्स इज इक्वल टू केते पाइले ना 132 डिग्री ठीक अछि। सेमिति आमे देखिबा जदि ए डी समांतर बी सी आउ गोटे देछि कोण ए डी समांतर बीसी ए डी समांतर बीसी ए बी यार छेदक ओ ए बी यार एक छेदक अतएव देखो एई कोण हेले एक पार्श्वस्थ अंतस्थ कोण ए बी
एडी बीसी समांतर एटा छेदक तेणु ए कोण ए कोण एक पार्श्वस्थ अंतस्थ कोण आम लिखि परिबा अतएव कोण एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री एठे आम लिखि परिबा कोण ना एक पार्श्वस्थ अंतस्थ कोण एक पार्श्वस्थ अंतस्थ कोण तेणु एमाने परस्पर परिपूरक इम्प्लाइज मूल्य पकेबा एंगल ए बोले केते ना जेड डिग्री देइछि प्लस एम एंगल बी बोले 48 डिग्री देइछि इज इक्वल टू केते आसिला आमर 180 डिग्री इम्प्लाइज जेड इज इक्वल टू केते आसिला 180 माइनस 48 इज इक्वल टू केते आसिबो आमर ना 132 डिग्री जेड इज इक्वल टू आमी पाइले कोण ना 132 डिग्री पाइले आ गोटे कोण रहिला एटा आमर केते पाइले 132 डिग्री आ गोटे कोण रहिला वाई वाई कोण आमे किभलि पाइबा देखो आउ थरे देखो आमर आमकु देछि एडी समांतर बीसी एडी समांतर बीसी एटी सीडी एक छेदक ओ सीडी एक छेदक एई क्षेत्र रे मध्य देखो एटा एटा समांतर एटा छेदक एई कोण हला एक पार्श्वस्थ अंतस्थ कोण आमे लेखि परिबा तेनु एंगल डी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री एटी लिखि परिबा एक पार्श्वस्थ अंतस्थ कोण ठीक अछि इम्प्लाइज एंगल डी बोले केते वाई प्लस एंगल सी केते आमर आसिला केते 132 डिग्री एंगल सी 132 डिग्री आनीछु एटी पकेइ देले आसिला 180 इम्प्लाइज वाई इज इक्वल टू केते आसिला 180 माइनस 32 इज इक्वल टू केते आसिला 48 वाई इज इक्वल टू केते पाइले 48 डिग्री वाई केते पाइले 48 डिग्री ठीक अछि एठी केवल गोटे नियम यूज हबो कोण ना दुईटी समांतर सरल रेखा को गोटे छेदक छेद कले उत्पन्न होतबा एक पार्श्वस्थ अंतस्थ कोण गुडिक परस्पर परिपूरक बा सेमानकर समष्टि 180 डिग्री उपपाद्य 7 एठी हमर व्यवहार हबो ठीक अछि बहुत सहज आशा करछि बुझि पारथिबे धन्यवाद देखो क्वेश्चन नंबर 6 कोण कहिछि पार्श्वस्थ चित्र 1.53 रे एटा होछि हमर 1.53 पी क्यू समांतर आर एस पी क्यू समांतर आर एस आर एस को बी एन सी बिंदु रे छेद करे आर एस को बी एन सी बिंदु रे छेद करे चित्र रु एक्स ओ वाई रो मान निर्णय कर आमर एक्स कोण ओ वाई कोण रो मान से पचारिछि ठीक अछि से आउ दुईटी दत देछि एई कोण रो परिमाण देछि 55 डिग्री एई कोण रो परिमाण देछि 130 डिग्री ए दुईटी कोण रो परिमाण देछि ए दुईटा समांतर बोल देछि हमको पचारिछि एक्स ओ वाई रो मान निर्णय करबा पई पचारिछि देखो आमे किभलि निर्णय करबा देखो आमर चित्र रु आमे देखिबा एंगल आर एस बी एवं आर सी एन एई कोण एवं एई कोण देखो चित्र रु एम एंगल आर सी बी प्लस एम एंगल आर सी एन ए दुटा मिसिले आमर 180 डिग्री हबो आर सी बी आर सी एन ए दुटा मिसिले 180 डिग्री हबो काहे कि ना ए दुईटी परस्पर सन्निहित परिपूरक कोण ए दुईटी कोणर परिमाण समष्टि 180 डिग्री एई प्रकार थिले आमे कहिबा ताकु सन्निहित परिपूरक कोण एठी से आकार अछि तेणु एई प्रकार थिले आमे ए दुईटी कोणर समष्टि को 180 डिग्री करि परिबा कोण पई हला ना सन्निहित परिपूरक कोण ठीक अछि इम्प्लाइज आमे देखो मूल्य पकेबा आर सी बी जगह रे पकेले आर सी बी प्लस आर सी एन देछि केते 130 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री आसिला इम्प्लाइज एट रु आमे पाई जिबा एंगल आर सी बी केते आसिला 180 माइनस 130 130 को सेपटे नै गेलि केते आसिला हमरो 50 डिग्री एंगल आर सी बी एई कोणर परिमाण आसिला हमरो कोणे 50 डिग्री ठीक अछि नेक्स्ट देखो एई कोण रु आमे वाई रो परिमाण पाई परिबा काहे कि ना देखो पी क्यू समांतर आर एस पी क्यू
समांतर आर एस सीए देइछि हमर पीक्यू समांतर आर एस एठे आमे बीएन को छेदक नै जिवा एवं बीएन एको छेदक अतो एबो देखो पीक्यू समांतर आर एस बीएन छेदक ताहले एई कोण आउ एई कोण की प्रकार कोण ए दुइटा कोण एकांतर कोण हेबे तेनु आमे कहि परिबा एम एंगल QBC is equal to M angle BCA. QBC is equal to BCA. काइंक हेले एमान हेले एकांतर कोण. ठीक अछि दुईटी समांतर सरल रेखा गोटे छेदक द्वारा उत्पन्न होता ए कोण आ ए कोण को एकांतर कहिबा एकांतर कोण गुड़ी को सर्वसम. तेनु आमे लेखिले वर्तमान हमकु QBC माने कोण हमरो Y BCA केते आसिला हमरो 50 डिग्री Y रो मूल्य आमे पाई गले 50 डिग्री नेक्स्ट हमकु दरकार X रो मूल्य दरकार ठीक अछि X रो मूल्य केभली आनिबा देखो त्रिभुज ABC रे ACN होची बहिष्ठ कोण देखो त्रिभुज ABC रे ACN होची बहिष्ठ कोण तार दूरवर्ती अंतस्थ दूरवर्ती कोण हला B आउ A आमे जानिचू त्रिभुजर बहिष्ठ कोण रो परिमाण तार अंतस्थ दूरवर्ती कोण द्वारा समष्टि सहित समान देखो त्रिभुज एटा होची आरो बहिष्ठ कोण ए कोण रो परिमाण ए दुईटी कोण रो समष्टि सहित समान एटा आमे आगरु जानिचू तेनु एठी आमे लेखि परिबा M angle ACN ACN होची यारो बहिष्ठ कोण इज इक्वल टू कोण लिख परिबा M angle ABC ABC एवं BAC M angle BAC ए दुईटी कोण रो समष्टि आकार रे लिखि परिबा कोण लिखिले त्रिभुज ABC रो बहिष्ठ कोण एटा यार परिमाण एई यारो एवं यारो समष्टि सहित समान बोली लिखिले एठी हमें मूल्य पके देबा ACN केते ACN देइछ से 130 डिग्री ABC केते ABC देइछ से 55 डिग्री प्लस BAC केते BAC हमकु दरकार जहा कि x आकार रे देइछ वर्तमान हमें एठु x रो मूल्य पाइ जिबा x को एपटे रखि देबा 130 रु हमें 55 फेर देबा केते आसिले हमरो 130 रु 55 गले 75 x इज इक्वल आसिला 75 y आसी केते 50 x इज इक्वल आसिला केते 75 हमकु पचार थिला x को y रो मान निर्णय करो x इज इक्वल आसिला केते 75 डिग्री y इज इक्वल आसिला केते 50 डिग्री ठीक अछि बहुत सहज रही परिबो एठी गोटे जिंस खाली मन रखिबा कोण ना त्रिभुज रो बहिष्ठ कोण रो परिमाण तार अंतस्थ दूरवर्ती कोण द्वय रो समष्टि सहित समान सेटा आमे एठी यूज करे ठीक अछि बहुत सहज आशा करछु बुझी पारथिबे नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्वेश्चन नंबर 7 से कोण कहिछि प्रत्येक चित्र दुई जोडा समांतर रेखा द्वारा गठित एठी हमरो दुईटे चित्र दैछि एठी प्रत्येक रे चारटी लेखाए सरल रेखा अछि एमानक मधे दुई जोडा समांतर सरल रेखा अछि अर्थात ए दुईटी सरल रेखा समांतर ए दुईटी सरल रेखा समांतर एही क्षेत्र रे ए दुईटी सरल रेखा समांतर एठी ए दुईटी समांतर अटे ताहेले से कहिछि एक नंबर क्वेश्चन को जिबा एठी कहिछि 1.454a रु 1.54a होची एही चित्र को देखिबा एही चित्र रु x ओ y मध्ये रे संपर्क स्थिर करो ए कोण रो परिमाण x देछि ए कोण रो परिमाण y देछि एमानक मध्ये रे संपर्क निर्णय करबा पई कहिछि ठीक अछि एठी आमे कोण निर्णय करबा x ओ y रो मध्ये रे संपर्क निर्णय करबा ठीक अछि आमे मने करो ए रेखाखंड गुडी को बा सरल रेखा गुडी को आमे ना दे देबा एटा l1 एटा l2 एटा l3 एटा को l4 ना दे देबा ए कोण को गुटे ना दे देबा मने करो ए कोण रो ना होची p ठीक अछि ए कोण रो ना होची हमरो p वर्तमान देखो x ओ y मधरे आमे संपर्क निर्णय करिबा ठीक अछि देखो
L1 समांतर L2 जेहेतु दुई जोड़ा समांतर रेखा बोली कहिछि L1 समांतर L2 से देइछि L1 समांतर L2 ओ L4 यहार गुटे छेदक L4 एक छेदक अतएव देखो L1 L2 समांतर L4 छेदक एई क्षेत्र रे आमी कहि परिबा x = p कहि परिबा अतएव आमी कहि परिबा एंगल x = एंगल p x आउ p समान हेबे कहिके ना ए माने एकांतर कोण ठीक अछि ए दुईटी समांतर एटा छेदक एई कोण एकांतर कोण हेबे तेंनु आमे x आउ p कु समान करि परिबे कोण पई करि परिबा कोण पई ए माने होचंती एकांतर कोण सेमिति देखो l4 आउ l3 दुईटी सरल रेखा समांतर l2 गुटे छेदक L4 समांतर L3 ओ L2 एक छेदक अतएव एठु आमे पाई परिबा कोण ना एंगल P इज इक्वल टू एंगल Y पाई परिबा एंगल P इज इक्वल टू एंगल Y पाई परिबा काहे कि ना देखो ए दुईटी समांतर एटा छेदक ताहेले ए दुईटा को आमे अनुरूप कोण कहि परिबा कोण पई हला अनुरूप कोण ठीक अछि अनुरूप जेहेतु ए कोण तण ए दिटा को हमें समान करि परिबा देखो इटा को समीकरण जदि एक नेबा इटा को समीकरण जदि दुई नेबा समीकरण एक रे हमें कोण पाइले x = p पाइले समीकरण दुई रे कोण पाइबे p = y पाइले अतएव हमें कहि परिबा समीकरण एक ओ दुई रु कोण कहि परिबा x = p पाइले p = y पाइले अतएव एंगल x इज इक्वल टू एंगल y बोली पाई परिबा बा आमे कहि परिबा x इज इक्वल टू y पाई परिबो ठीक अछि हमकु पचार थिला x ओ y मधेर संबंध स्थिर करे x ओ y मधेर संपर्क कोण हला ना x इज इक्वल टू y ठीक अछि सेमि देखिबा आमे 2 नंबर बिट कु जिबा 2 नंबर बिट रे से कोण कहिछि चित्र 1.54b रु a ओ b मधेर संपर्क निर्णय करो b माने ए चित्र रु आमे ए आउ बी मधेर संपर्क निर्णय करिबा ठीक अछि एठे ले आमे ना दे दबा देखो एटा को आमे l1 दबा l2 l3 l4 ए बोलिया ना दे दबा हमकु सुविधा हबो ए कोण को आमे ना दे दबा q बोली ना दे दबा ठीक अछि मने करो ए कोण रो परिमाण q ताहेले देखो एबे l1 आउ l2 समांतर l3 छेदक l1 समांतर L2 ओ L3 एक छेदक L1 समांतर L2 L3 छेदक एई क्षेत्र रे आमे कोण कहि परिबा ना एंगल A औ एंगल Q ए दुइटा रो समष्टि 180 डिग्री हबो M एंगल A प्लस M एंगल Q केते आसीबो 180 डिग्री काहे कि हबो ना आमे जानिचु दुइटी समांतर सरल रेखा गोटे छेदक द उत्पन्न हितवा एक पार्श्वस्थ अंतस्थ कोण द्वार समष्टि 180 बा सेमाने परस्पर परिपूरक तेंनु एइटे देखो एइटा एइटा समांतर एइटा छेदक तेंनु एई कोण आउ एई कोण हेले एक पार्श्वस्थ अंतस्थ कोण तेंनु एमानकर समष्टि 180 डिग्री हबो एइटे लिखि परिबा एक पार्श्वस्थ अंतस्थ कोण जेहेतु एमानकर समष्टि 180 डिग्री हबो ठीक अछि एटा को हम समीकरण 1 बोली ना दे देबा सेमिति देखो L3 आउ L4 दुईटी सरल रेखा समांतर L3 समांतर L4 आउ L2 एहारो छेदक L2 एक छेदक ठीक अछि L3 L4 समांतर L2 छेदक ताहले एठी हम कहि परिबा Q इज इक्वल टू P कहि परिबा एंगल Q इज इक्वल टू एंगल P B कहि परिबा एंगल B एटा हमरो B काहे कि ए माने हले एकांतर कोण देखो दुईटी समांतर सरल रेखा छेदक द्वारा उत्पन्न हितो एकांतर कोण गुडी कर परिमाण समान तणु एठी हम लिखि पारे कोण एकांतर कोण ठीक अछि वर्तमान देखो या को हम समीकरण 1 नेबा या को हम समीकरण 2 जदे नेबा समीकरण 1 आउ 2 रु हमे कोण पाइबा देखो एठी देला कोण a plus q is equal to 180 कोण दिछि a m angle a plus m angle q is equal to 180
80 डिग्री इम्प्लाइज एटी Q इज इक्वल टू P आसिला Q बदल रे मु B पकई देबी M एंगल A प्लस Q बदल रे M एंगल B पकई देबी इज इक्वल टू 180 डिग्री आसिला एटा होची हमर संपर्क पली आसिला A आउ B मध्ये रे से पचारथिला देखो A आउ B मध्ये संपर्क संबंध स्थिर करो A आउ B मध्ये संबंध कोण A प्लस B इज इक्वल टू 180 डिग्री m angle a plus m angle b is equal to 180 degree ठीक अछि बहुत सहज आशा करछु बुझि पड़थिबे धन्यवाद देखो क्वेश्चन नंबर 8 कोन कहिछि पार्श्वस्थ चित्र रे m angle a b c 74 डिग्री a b c 74 डिग्री e d c 38 डिग्री e d c 38 डिग्री b c d 36 डिग्री b c d 36 डिग्री प्रमाण करो जे DE समांतर BA ताहेले आमे DE आउ BA ए दुईटी समांतर बोली प्रमाण करबा को पड़िबो ठीक अछि प्रथमे देखिबा दत्त दत्त कोण देला ना M एंगल A B C देछि 74 डिग्री M एंगल E D C देछि 38 डिग्री M एंगल B C D देछि 36 डिग्री एठु हमको प्रमाण करिया को पड़िबो कोण प्रामाण्य प्रामाण्य होला हमको DE समांतर BA हमको ए दुईटी रश्मि समांतर बोली प्रमाण करबा को पड़िबो ठीक अछि कि भली प्रमाण करबा देखो प्रमाण मने करो DE और BC ए दुईटी रो छेद बिंदु एटा याको हम कर आमे मने करो ना दे देबा F ठीक अछि वर्तमान देखो DFC त्रिभुज रे त्रिभुज DFC रे CFE होची बहिस्थ कोण तेनु M एंगल CFE होची बहिस्थ कोण यार परिमाण अंतस्थ दूरवर्ती कोण द्वयर समष्टि सहित समान दूरवर्ती कोण दुईटा कोण ना FDC M एंगल F D C आउट हला F C D M angle F C D ठीक अछि एई कोणर परिमाण ए दुईटी रो समष्टि सहित समान इम्प्लाइज केते आसीबो हमरो ना F D C देछि केते 38 डिग्री एवं F C D देछि केते 36 डिग्री केते आसीला हमरो ना 74 डिग्री आसिला कोण ना एम एंगल सी एफ ई इज इक्वल टू आइला 74 डिग्री सी एफ ई कोटा हमरो सी एफ ई कोण एई कोण रो परिमाण आसिला 74 डिग्री ठीक अछि वर्तमान देखो बी ए ओ डी ई कु बी सी छेद करछि छेदक ओ M angle A B C is equal to E F C M angle E F C पहले देखो एटा 74 डिग्री एटा 74 डिग्री तेनु आमे ए कोण को समान करी लेखिले वर्तमान देखो एठी पहले एटा एटा हछि अनुरूप कोण जेहेतु दुईटी समान हेले तेनु आमे लिखि परिबा B A समांतर D E लिखि परि ठीक अछि हमको प्रमाण करिया कोइतला बी ए समांतर डी ई आसिला बी ए समांतर डी ई नेक्स्ट देखबा दुई नंबर बिट को देखो दुई नंबर बिट रे कहिछि पार्श्वस्थ चित्र 1.55 रे ए बी सी 60 डिग्री ए बी सी कोण 60 डिग्री डी ई ई डी सी 38 डिग्री ई डी सी 38 डिग्री डी ई समांतर ए बी DE समांतर AB या पूर्व गणित रे हमको प्रमाण करिया कहितला एठी हमको समांतर दे दिछ ठीक अछि हेले दर्शाओ जे BCD 22 डिग्री BCD एई कोणर परिमाण हमको 22 डिग्री बोली प्रमाण करिया को पड़िबो दत्त आमे लेखिले ABC 60 डिग्री EDC 38 डिग्री DE समांतर AB BA 23 सीएम प्रामाण्य कोण BCD 22 डिग्री हमको प्रमाण करिया पड़िबो ए कोणर परिमाण 22 डिग्री बोली प्रमाण करबा को पड़िबो ठीक अछि वर्तमान देखो से दत देसी कोण DE समांतर BA DE
समांतर बी ए से देछि ठीक अछि डी ई समांतर बी ए बी सी छेदक बी सी छेदक अतएव देखो कोण ए बी सी कोण ए बी सी इज इक्वल टू कोण ई माने करो याको ना दे देबा एफ ई एफ सी हे परिबो कोण ई एफ सी हे परिबो काहे कि ना ए दुईटी समांतर एटा छेदक ताले एई कोण कोण होची ना अनुरूप कोण होबो तेनु एटा एटा समान होबो बा आमे कहि परिबा जे दत्त दैछि कोण ना दत्त दैछि कोण ना एबीसी 60 डिग्री एबीसी 60 डिग्री दैछि तेनु अतएव आमे लेखि परिबा एम एंगल ई एफ सी इज इक्वल टू 60 डिग्री आमे पाइ परिबा ई एफ सी एटा मध्ये 60 डिग्री पाइबा जेहेतु से दैछि एम एंगल ए बी सी 60 डिग्री से दत्तरे दैछि एबीसी 60 डिग्री जेहेतु आमे डीएफसी को 60 डिग्री आनि पाले ठीक अछि वर्तमान देखो त्रिभुज एफडीसी रे एई कोणर परिमाण दत्त अछि बहिष्ठ कोणर परिमाण दत्त अछि एई कोणर परिमाण आमे आनि परिबा आराम रे त्रिभुज एफडीसी रे कोण लिख परिबा कोण एफडीसी प्लस कोण बीसीडी कोण बीसीडी इज इक्वल टू कोण सीएफई लिखि परिबा कोण लिखिले देखो एफडीसी एफडीसी प्लस बीसीडी बीसीडी एई कोण प्लस एई कोण इज इक्वल टू एई कोण सहित समान करि परिबे सीएफई माने एई कोण त्रिभुजर बहिष्ठ कोणर परिमाण सेमानकर अंतस्थ दूरवर्ती कोण मानकर समष्टि सहित समान इम्प्लाइज यदि मूल्य पकाइ देबा एफ डी सी केते आमर आसिला 38 डिग्री प्लस बी सी डी केते आमको दरकार होइता एंगल बी सी डी लिखि देबा सी एफ ई केते आमर आसी 60 डिग्री इम्प्लाइज आमे पाइबा कोण इट्रु एम एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 60 माइनस 38 आमे सेपट नै जिबा 38 टाकु एपट नै होले इम्प्लाइज एम एंगल बी सी डी इज इक्वल टू पाइबा केते 60 रु 38 गले 22 डिग्री हमकु से प्रमाण करियो कहिछि बी सी डी 22 डिग्री आसिला एम एंगल बी सी डी 22 डिग्री प्रमाणित ठीक अछि बहुत सहज आशा करछु बुझि पारथिबे नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्वेश्चन नंबर 9 कोन कहिछि पार्श्वस्थ चित्र 1.56 रे एंगल ए सी डी रो समद्विखंडक सी ई ए सी डी रो समद्विखंडक सी ई अर्थात एई कोण समान ए बी सह समांतर हेले ये पुणी ए बी सहित समांतर प्रमाण कर जे एम एंगल ए इज इक्वल टू एम एंगल बी ए आउ बी कोण समान बोली हमको प्रमाण करिवा को पड़िबो ठीक अछि प्रथम देखिबा दत्त कोण देछि ए सी डी रो समद्विखंडक सी ई ए सी डी रो समद्विखंडक सी ई अर्थात आमे लिख परिबा ए सी ई एम एंगल ए सी ई इज इक्वल टू एम एंगल ई सी डी लिख परिबा ए सी ई इज इक्वल टू ई सी डी लिख परिबा जेहेतु एहा एई कोणर समद्विखंडक आउ कोण देछि ए बी सी ई ए बी सह समांतर ए बी समांतर सी ई ए बी समांतर सी ई से देछि ठीक अछि हेले हमको प्रमाण करियो कहिछि प्रामाण्य कोण प्रामाण्य होला एम एंगल ए इज इक्वल टू एम एंगल बी हमको प्रमाण करियो पड़िबो एई कोण समान बोली के ठीक अछि देखिबा कि बोली प्रमाण करिबा देखो हमको देछि ए बी समांतर सी ई ए बी समांतर सी ई एवं ए सी एहार छेदक एवं
एसी एक छेदक एबी समांतर सीई देइछि एसी छेदक देइछि तेणु एही कोण मध्यरे संपर्क कोण एमाने हेले एकांतर कोण एवं एकांतर कोण गुड़ी करो परिमाण समान तेणु आमे लिख परिबा एम एंगल बीएसी इज इक्वल टू एम एंगल ACE BAC is equal to ACE हबो कहिंगना एमाने हेले एकांतर ठीक अछि सेमिति आमे देखिबा AB समांतर CE AB समांतर CE सॉरी एटा D हि जैछि एटा E हबो ठीक अछि AB समांतर CE BD एहर छेदक BD एक छेदक ठीक अछि ए बी समांतर सी ई बी डी छेदक एई क्षेत्र रे देखो ए बी सी एवं ई सी डी ए दुईटी कोण आ एई कोण मध्ये संपर्क कोण ए माने हेले अनुरूप कोण तेनु अनुरूप कोण रो परिमाण समान तेनु आमे लिख परिबा एम एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एम एंगल ई सी डी ABC, ECD, A दुईटी कोण समान काहे कि ना अनुरूप ठीक अछि देखो याकु जदि हम समीकरण 1 देबा याकु जदि समीकरण 2 देबा नेक्स्ट आमे जानिचु दत्त कोण कहिछि ना ACE इज इक्वल टू ECD देछि ACE इज इक्वल टू ECD जेहेतु EC CE ACD रो समद्विखंड को आमे जानिचु एई कोण समान कोण किंतु दत्त कोण देछि ना एम एंगल ए सी ई इज इक्वल टू एम एंगल ई सी डी ठीक अछि एई कोण समान बोली दत्त देछि एक आकु जदि आमे समीकरण 3 ना दबा ठीक अछि देखो भलो भाबरे समीकरण 3 कोण कहिला एटा एटा समान समीकरण 2 कोण कहिला ना एटा एटा समान समीकरण 1 कोण कहिला एटा एटा समान देखो एटा आ सहित समान एटा आ सहित समान ओ ए माने परस्पर समान तार अर्थ हम एटा को एटा सहित समान बोली कहि परबा अतएव समीकरण 1 2 ओ 3 रु हम लिखि परबा एम एंगल कोण बी ए सी इज इक्वल टू एम एंगल ए बी सी ठीक अछि देखो ACE इज इक्वल टू ECD ECD इज इक्वल टू ACE एटा एटा समान से दत्त देछि तेनु हमें LHS को समान करि परिबा एटा को जदि शॉर्ट फॉर्म लिखले M एंगल A हबो एटा को शॉर्ट फॉर्म लिखले M एंगल B हबो हमको से पछाथिला कोनो M एंगल A इज इक्वल टू M एंगल B बोली प्रमाण करो प्रमाण करले ठीक अछि प्रमाणित बहुत सहज नेक्स्ट देखा यार दुई नंबर बीट को देखो दुई नंबर बीट दला पार्श्वस्थ चित्र रे सीई समांतर ए बी सीई समांतर ए बी ई सी डी 70 डिग्री ई सी डी 70 डिग्री एम एंगल ए 50 डिग्री एम एंगल ए 50 डिग्री हेले दर्शा हो जे ए सी बी 60 डिग्री ए सी बी अर्थात ई कोण रो परिमाण को हमहु 60 डिग्री बोली प्रमाण करबा को पड़िबो ठीक अछि देखो दत्त बोले प्रथम लेखिले सी समांतर ए बी जहां देछि से लिखि देले दत्त नेक्स्ट आइला प्रामाण्य कोण ए सी बी 60 डिग्री ए सी बी ए कोण रो परिमाण हमहु 60 डिग्री बोली प्रमाण करबा को पड़िबो ठीक अछि आको हम किबोले करबा देखो सी हमहु दत्त देछि सी समांतर ए बी समांतर सी सी समांतर ए बी सी दत्त देछि एवं देखो बी डी यार गोटे छेदक बी डी एक छेदक एटा एटा समांतर एटा छेदक वर्तमान देखो ताहले ए बी सी एवं ई सी डी ए दुईटी कोण मध्यरे संपर्क कोण एमान हेले अनुरूप कोण समान तेणु आमे लिखि परबा एई कोण इज इक्वल टू एई कोण लिखि परबा अतएव आमे लिखि परबा कोण
M angle ABC is equal to M angle ECD लेखि परिबा काहे कि एमाने हेले अनुरूप कोण इंप्लाइज आमे लेखि परिबा M angle ABC केते पाइबा ECD से देछि केते 70 डिग्री एटा 70 डिग्री देछि ECD जगह रे मु 70 डिग्री पके देली हमें पाइले कोण ABC 70 डिग्री पाइले ए कोणटा आमे 70 डिग्री पाइले हमको प्रमाण करिया कहि छि ACB 60 डिग्री त ए कोण को 60 डिग्री हमको प्रमाण करिया को पड़िबो ठीक अछि ताहेले देखो त्रिभुज ABC रे M angle ABC plus M angle BAC plus M angle ACB is equal to 180 degree हबो कि नै एटा गुडे त्रिभुज यार तीनोटी कोणर परिमाणर समष्टि 180 डिग्री आमे जानिचु सेटा इथि व्यवहार कले एथि आमे मूल्य पके देबा ABC ABC 70 डिग्री आमे आनि लेबे 70 डिग्री पके देले BAC BAC से ऑलरेडी देछि केते 50 डिग्री BAC केते 50 डिग्री देछि 50 पकेले प्लस M angle ACB is equal to 180 degree. Implies, एटी देखो, एदीटा मिसे दले, केते आसला, 120 plus M angle ACB is equal to 180 degree. Implies, M angle ACB is equal to केते आसलो, 180 minus 120, केते आसला आमरो, 60 degree. M angle ACB केते पाईले, 60 डिग्री हमको से पचारतला कोण एम एंगल ए सी बी 60 डिग्री ओले प्रमाण करिवा कहितला आसला हमर कोण एम एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 60 डिग्री प्रमाणित ठीक अछि बहुत सहज आशा करछु बुझि पाथिबे नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्वेश्चन नंबर 10 दैछि पार्श्वत चित्र रे L1 समांतर L2 L1 ओ L2 रो छेदक L3 L1 समांतर L2 L3 होची यारो छेदक तले से फर्स्ट बिट देछि कोण M angle 2 is equal to 2 M angle A हेले M angle 2 एटा M angle 1 एटा हेले ये आर दुई गुण हेले 1 को आ 2 रो परिमाण स्थिर करो 1 को आ 2 कोण रो परिमाण स्थिर करो ठीक अछि या को में किभली करिबा देखो आमे जानचु L1 समांतर L2 ओ L3 एको छेदक L1 समांतर L2 L3 एको छेदक तेनु एठी माने कर हमर सुविधा पई एठी गुटे ना दे देबा याको हम ना दे देबा कोण 3 ठीक अछि हेले आमे पाइबा कोण 1 को आ कोण 3 समान M angle 1 is equal to M angle 3 हबो काहे कि ना अनुरूप कोण ए दिटा समांतर एटा छेदक तेनु ए दिटा अनुरूप कोण कोण बे अनुरूप कोण ठीक अछि वर्तमान देखो चित्र रु m angle 2 plus m angle 3 is equal to केते हबो 180 हबो काहे कि ना ए दिटा होची सन्निहित परिपूरक कोण करिबा सन्निहित परिपूरक हमरो एई अवस्था रे थिले आमी ए दिटा कोणर समष्टि को 180 डिग्री सहित समान करि परिबा बा ए दिटा परस्पर परिपूरक हेबे ठीक अछि वर्तमान एबे मूल्य पकेबा m angle 2 plus m angle 3 जहा m angle 1 तहा तनु m angle 3 जगह रे m angle 1 पकेली इज इक्वल टू 180 डिग्री implies देखो m angle 2 is equal to 2 m angle a m angle 1 तनु m angle 1 plus 2 m angle 1 2 जगह रे हमें 2 m angle 1 पकेली 1 plus m angle 1 is equal to 180 डिग्री implies 3 m angle 1 is equal to 180 डिग्री एटा मिसेले 3 हला implies हमें पाइबा m angle 1 केते पाइबा 180 by 3 3 को सपोर्ट करि देली केते आइला 60 डिग्री m angle 1 is equal to आइला केते 60 डिग्री ओ तोइबो m angle 2 केते आसीबो m angle 2 is equal to 2 into m angle 1 2 into m angle 1 m angle केते 60 is equal to आसीला 120 m angle 1 is equal to आसीला 60 m angle 2 is equal to आसीला 120
ठीक अच्छे एठी आमर सुविधा पई कोण नंबर 3 बोली ना देले एटा एटा समान ए दुटा रो समष्टि 180 वर्तमान एठी हम मूल्य पके देले एम एंगल 1 और एम एंगल 2 रो मूल्य बोले आसीबो नेक्स्ट देखिबा 2 नंबर बिट के बोली करिबा देखो 2 नंबर बिट कोण कोइची एम एंगल 2 इज इक्वल टू 3 एम एंगल ए हेले 1 और 2 रो परिमाण स्थिर करो ठीक सेमति ही करिबा आमे जेमति आमे 1 नंबर बिट करथिलु याकु माने करो ना दे दिबा 3 नंबर कोण ताहेले आमे जानिचु कोण l1 समांतर l2 आ l3 छेदक अतएव आमे पाइबा कोण एम एंगल 1 इज इक्वल टू एम एंगल 3 अनुरूप कोण ठीक अछि ए दुटा समान समिति आमे एम एंगल 2 प्लस एम एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री पाइबे काहे किना सन्निहित परिपूरक 2 आउ 3 मिसिले 180 काहे किना सन्निहित परिपूरक एठी आमे मूल्य पकाइ देबा एम एंगल 2 इज इक्वल टू केते दै छि से 3 एम एंगल ए 3 एम एंगल ए एम एंगल 1 प्लस एम एंगल 3 इज इक्वल टू एम एंगल 1 एबे पाइलु तेनो एम एंगल 3 जगरे एम एंगल 1 पके देलु आसीला 180 इम्प्लाइज 4 एम एंगल 1 इज इक्वल टू 180 इम्प्लाइज एम एंगल 1 इज इक्वल टू केते आसीबो 180 बाय 4 इज इक्वल केते आसीला 45 डिग्री एम एंगल 1 इज इक्वल टू आसीला 45 डिग्री एम एंगल 2 केते आसीबो हमरो एम एंगल 2 दैछि कोनो 3 इनटू एम एंगल 1 इज इक्वल टू 3 इनटू 45 डिग्री कते आसीबो 4 5 3 15 1 135 ठीक अछि एम एंगल 2 इज इक्वल टू आसीला केते 135 डिग्री एम एंगल 1 इज इक्वल टू आसीला केते 45 डिग्री ठीक अछि सेमि देखिबा 3 नंबर बिट कि बोली करा जइबो देखो 3 नंबर बिट कोन कहिथि एम एंगल एम एंगल 1 इज टू एम एंगल 2 इज टू 2 इज टू 3 हेले ए 1 और 2 रो परिमाण स्थिर करो सेठी कोन करछि ना 1 और 2 रो अनुपात देछि तेनु लेखि परिबा आमे कोन एम एंगल 1 बाय एम एंगल 2 इज इक्वल टू 2 बाय 3 लेखि परिबा इम्प्लाइज आमे लेखि परिबा इनटू एम एंगल 2 इज इक्वल टू 3 इनटू एम एंगल 1 लेखि परिबा इम्प्लाइज आमे लेखि परिबा एम एंगल 2 इज इक्वल टू 3 बाय 2 इनटू एम एंगल 1 एटी मध्य आमे 2 आउ 1 मध्य उठे संपर्क पाइले एटा को आमे व्यवहार करिबा जेमिते आमे 1 2 कोनु सेमिते करिबा ठीक अछि आमे जानिछु 1 2 रे कोनो एम एंगल 1 इज इक्वल टू एम एंगल 3 जेहेतु ए माने अनुरूप कोनो तापर जानिछु कोनो एम एंगल 2 प्लस एम एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री काहे किना सन्निहित परिपूरक एठे मूल्य पकेबा एम एंगल 2 बा जगह आमे पकेबा 3 बाय 2 इनटू एम एंगल 1 प्लस एम एंगल 3 जगह आमे पकेबा एम एंगल 1 इज इक्वल टू आसीला 180 डिग्री तासो हमरो लॉस आउ जदि काढिबा 2 आसीला एटा 3 इनटू एम एंगल 1 प्लस 2 इनटू एम एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री इम्प्लाइज 3 2 5 एम एंगल 1 इज इक्वल टू 180 इनटू 2 इज इक्वल टू आसीला केते 360 इम्प्लाइज एम एंगल 1 इज इक्वल टू 360 बाय 5 इज इक्वल टू आसीला केते आसीबो 72 एम एंगल 1 इज इक्वल टू आसीला केते 72 एम एंगल 2 केते आसीबो एम एंगल 2 रो हमरो 1 संपर्क जानिचु एम एंगल 2 इज इक्वल टू केते आसीबो 3 बाय 2 इनटू एम एंगल 1 एम एंगल 1 केते आसीला 72 2 1 2 इनटू 36 36 3 के 36 के 18 1 3 3 के 9 1 10 108 एम एंगल 1 इज इक्वल टू आसीला केते 72 एम एंगल 2 इज इक्वल टू केते आसीला 108 ठीक अछि बहुत सहज रे करि होबो एठी आमे एमिति करि परिबा किंबा एठरो प्रतिपकोण एटा आ सहित एटा समान करि परिबा ए दुटा रो समष्टि 180 नै परिबा हमर जेमिति सुविधा होबो सेमिति करि परिबा ठीक अछि बहुत सहज नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्वेश्चन नंबर 11 कोन कहि छि पार्श्वस्थ चित्र रे l1 समांतर l2 l1 समांतर l2 l3 छेदक l1 ओ l2 सरल रेखा दय को a आ c बिंदु रे छेद करे l3 सरल रेखा l1 को a बिंदु रे l2 को c बिंदु रे छेद करे b a c रो समद्विखंडक ओ c a c d रो समद्विखंडक परस्पर को o बिंदु रे
छेद करती बी ए सी रो समद्विखंडक ओ ए ए सी डी रो समद्विखंडक ओ सी सी ओ ए माने परस्पर को ओ बिंदु रे छेद करचंती दर्शाओ जे एम एंगल ए ओ सी 90 डिग्री हमको एई यार परिमाण 90 डिग्री बोली प्रमाण करबा को पड़िबो ठीक अछि देखिबा किभलि करबा याकु प्रथमे दत्त लिखिबा दत्त कोण लिखछि से L1 समांतर L2 देछि AO आउ CO होछि ए दुईटी कोणर यथाक्रमे समद्विखंडक AO O CO यथाक्रमे एंगल BAC ओ एंगल ACD रो समद्विखंडक ठीक अछि एतिक हम दत्त देछि प्रामाण्य प्रमाण करबा को कोण कहिछि प्रमाण करबा को कोण कहिछि प्रामाण्य देछि से हमको एम एंगल AOC 90 डिग्री एम एंगल AOC इज इक्वल टू 90 डिग्री हमें प्रमाण करबा ठीक अछि किभलि प्रमाण करबा देखो आमे जानिछु L1 समांतर L2 आउ L3 गुटे छेदक L1 समांतर L2 ओ L3 एक छेदक अतएव आमे कहि परिबा एंगल BAC एवं ACD ए दुईटी कोणर परिमाणर समष्टि 180 डिग्री अतएव कहि परे कोण M angle BAC plus M angle ACD is equal to 180 डिग्री कोई परिवा जेहेतु ए दुईटा अंतस्थ एकपार्श्वस्थ अंतस्थ कोण तेणु ए दुईटा परस्पर परिपूरक हेबे तेणु सेमानकर समष्टि 180 डिग्री हेबो उभय पटकु आमे जदि 1/2 द्वारा गुणिबा आमे पाइबा कोण हाफ M angle BAC plus half m angle acd is equal to half into 180 बा एटा को मु डायरेक्ट लेखि देली 90 डिग्री कोण कोली ना उभय पट को मु 1/2 रे गुणि दे ओ एलएचएस को 1/2 रे गुणली आरएचएस को 1/2 रे गुणली 1/2 रे गुणले एटा कटिगी 90 डिग्री हे गेलो ठीक अछि नेक्स्ट देखिबा हमें त्रिभुज ए सी ओ रे त्रिभुज ए सी ओ रे एम एंगल ए सी ओ प्लस एम एंगल सी ए ओ प्लस एम एंगल ए ओ सी ए तीनटा मिसिले 180 डिग्री हेबो त्रिभुज रो जे कोनोसी त्रिभुज रो तीनोटी कोण रो समष्टि 180 डिग्री तेणु ए सी ओ ए त्रिभुज रो तीनोटी कोण रो समष्टि को 180 आकार रे लिखली ठीक अछि इंप्लाइज देखो ए सी ओ को मु लिखि परिबि ए सी डी रो हाफ बोल लिखि परिबि हाफ एम एंगल ए सी डी लिखली ए सी ओ को ए सी डी रो हाफ लिखिबे काहे कि ना सी ओ यार समद्विखंडक बा एई कोण समान तेणु को यार अधा जहा एई कोण तहा तेणु याकु मु आर अधा आकार रे लिखली बा ए सी ओ को मु ए सी डी रो अधा सहित अधा बोलिया लिखली सेमिति सी ए ओ को मु लेखि परिबी हाफ एम एंगल बी ए सी कोण रो अधा बोली लिखली याकु बी ए सी कोण रो अधा लिखली प्लस एम एंगल ए ओ सी को ए ओ सी अछि इज इक्वल टू 180 डिग्री आसिला इंप्लाइज देखो एठी कोण आसिला हाफ एम एंगल ए सी डी प्लस हाफ एम एंगल बी ए सी देखो एठी कोण आछि हाफ एम एंगल बी ए सी प्लस हाफ एम एंगल ए सी डी केते आछि 90 डिग्री या बदल रे मु 90 डिग्री पकई परिबे देखो 90 डिग्री प्लस एम एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री एठी कोण कली या बदल रे मु 90 डिग्री पकेली एठी जहा अछि एठी तहा अछि तेनु या बदल रे मु 90 डिग्री पकई पाली इंप्लाई सेठी पाइबा एम एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 180 माइनस 90 इज इक्वल टू 90 बा इंप्लाइज इट हम पाइले कोण
एम एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 90 डिग्री हमको से पचार थिला कोण हमको प्रमाण करिया कोइ थिला एम एंगल ए ओ सी 90 डिग्री आसला एम एंगल ए ओ सी 90 डिग्री प्रमाणित ठीक अछि बहुत सहज आशा करछु बुझी परथिबे नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्वेश्चन नंबर 12 कोण करिछि पार्श्वस्थ चित्र रे ए बी समांतर सी डी ए बी समांतर सी डी ओ ए बी कोण 135 डिग्री ओ ए बी कोण 135 डिग्री तापर आसला ओ सी डी 145 डिग्री ओ सी डी 145 डिग्री हेले ए ओ सी रो परिमाण निर्णय करो एई कोण रो परिमाण निर्णय करो कहिछि ठीक अछि किबळी निर्णय करबा देखो आमे एटा को निर्णय करबा कले प्रथमे गुटे अंकन करबा कोण ए कु सी कु जोग करबा ठीक अछि ए सी जोग करा जाओ वर्तमान देखो ए बी समांतर सी डी हमको देछि ए बी समांतर सी डी एवं ए सी एको छेदक ए बी समांतर सी डी ए सी गुटे छेदक अतएव आमे लेखि परिबा एम एंगल बी ए सी प्लस एम एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री लेखि परिबा एई कोण आउ एई कोण मिसिले 180 डिग्री काहेकि ना एटा एटा समांतर एटा छेदक ए दुईटी कोण ए सी डी आउ सी ए बी ए दुईटी कोण होचोती एक पार्श्वस्थ अंतस्थ कोण तेणु एक पार्श्वस्थ अंतस्थ कोण द्वय परस्पर परिपूरक बा से दुईटी मिसिले 180 डिग्री एतिकि आमे जानिछु याको आमे समीकरण एक बोली ना दे देबा ठीक अछि वर्तमान देखो हमको देछि ओ ए बी देछि ओ ए बी 135 डिग्री ओ सी डी 145 डिग्री ओ ए बी एम एंगल ओ ए बी प्लस एम एंगल ओ सी डी ओ ए बी ओ सी डी केते हबो ओ ए बी देछि केते 135 डिग्री प्लस ओ सी डी केते देछि ना 145 डिग्री ठीक अछि इम्प्लाइज याकु मु सजै कि लेखिबि देखो ओ ए बी कु मु लेखि परबि ओ ए सी एम एंगल ओ ए सी प्लस एम एंगल बी ए सी एम एंगल बी ए सी लेखि परबि ओ ए बी कु मु एई कोण आउ एई कोण रो समस्त आकार लेखिलि सेमिति ओ सी डी ओ सी डी को मुझे लिखी परिवि ओ सी ए एम एंगल ओ सी ए प्लस ए सी डी लिखी परिवि एम एंगल ए सी डी लिखी परिवि इज इक्वल टू कौन हला ना देखो मु एटा को ए दुईटी आकार लिखिली एटा को ए दुईटी आकार लिखिली ए दुईटा को मिसेई देबी केते आसिला 280 डिग्री इम्प्लाइज देखो मु याकु सजेबाकु चेष्टा करूछि एम एंगल ओ ए सी प्लस एम एंगल ओ सी ए देखो ए दुईटी को मु आगो लेखि देली तापर ए दुईटी को लेखुछि प्लस एम एंगल बी ए सी प्लस एम एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 280 आसीछि 280 लेखि कौन कली मु केवल सजेली ए दुईटा को प्रथमे लेखिली तापर ए दुईटा को परे लेखिली ठीक अछि इम्प्लाइज देखो एम एंगल ओ ए सी प्लस एम एंगल ओ सी ए प्लस ई प्लस ए सी डी बी ए सी प्लस ए सी डी केते आनचु 180 डिग्री तेणु या बदल रे मु 180 डिग्री पकाइ देली 280 को 280 लेखिली ठीक अछि आमे एतिकी को 180 आनिचु आमे तेणु मु 180 मु एठी पकाइ देली या बदल रे 180 पकाइ देली इम्प्लाइज केते आसिला एम एंगल ओ ए सी प्लस एम एंगल ओ सी ए इज इक्वल टू केते आसिला 280 माइनस 180 सेपट नै गले माइनस 180 हला केते आसिला 100 डिग्री आमे पाइलु कोण एम एंगल ओ ए सी प्लस एम एंगल ओ सी ए केते आसिला हमरो 100 डिग्री ठीक अछि हमकु से पचाछि कोण
OCS AOC पचारिछि एही कोण पचारिछि ठीक अछि वर्तमान देखो एटा को समीकरण 2 बोली ना दे दे छाड़ दे ठीक अछि त्रिभुज OAC रे एही त्रिभुज रे M एंगल OAC प्लस M एंगल OCA प्लस M एंगल AOC इज इक्वल टू 180 डिग्री एठी तीनोटी कोणर परिमाण 180 डिग्री इंप्लाइज देखो OAC प्लस OCA OAC प्लस OCA आमे केते आंचू 100 डिग्री प्लस M एंगल AOC इज इक्वल टू 180 डिग्री आमे देखो या बदल रे 100 पकेलु काहे किना एति की आमे 100 डिग्री आंचू आलेडी समीकरण 2 रो इंप्लाइज एम एंगल ए ओ सी केते आसीबो 180 माइनस 100 केते आसला एम एंगल ए ओ सी इजुल केते आसला ना 80 डिग्री ठीक अछि हमकु से पचाइतला कोन एम एंगल ए ओ सी केते आसला 80 डिग्री ठीक अछि बहुत सहज आशा करछु बुझि पाथिबे नेक्स्ट देखबा आरो 2 नंबर बिट देखो 12 रो 2 नंबर बिट कोन कहिछि पार्श्वस्थ चित्र रे xb समांतर yd xb समांतर yd xao जो 30 डिग्री xao 60 डिग्री m एंगल yco इज इक्वल 70 डिग्री yco इज इक्वल 70 डिग्री दर्शाओ जे m एंगल aoc इज इक्वल 130 डिग्री aoc अर्थात एही कोण रो परिमाण हमको आनिबा कहिछि केते आसीबो ना 130 डिग्री AOC अर्थात एही कोण रो परिमाण 130 डिग्री बोली हमको प्रमाण करबा को कहिछि ठीक अछि प्रथमे दत्त लेखिबा xb समांतर yd xb समांतर yd xao 60 डिग्री देछि yco 70 डिग्री देछि प्रामाण्य कोण AOC 130 डिग्री AOC 130 डिग्री हमको प्रमाण करबा को पड़िबो ठीक अछि याकु प्रमाण करिया कहले हमको गोटे अंकन करबा को पड़िबो अंकन कोण करबा ना आमे एको तो ए ओ को वर्धित करबा किंबा सी ओ को वर्धित करबा एठी हमर सुविधा पाए मु ए ओ को वर्धित करूची जहा कि मने करो वाई डी रो पी बिंदु रे छेद करू मने करो इटा वाई वाई बिंदु एटा मने करो पी बिंदु रे छेद करू ना ए ओ को वर्धित करा जाउ जहा एक्स डी वाई डी को पी बिंदु रे छेद करू छेद करू ठीक अछि वर्तमान देखो या को किबोले हमें प्रमाण करिबा प्रमाण हमको प्रमाण करियो पड़िबो कोन AOC 130 डिग्री एई कोण रो परिमाण 130 डिग्री हमको प्रमाण करिया को पड़ी ठीक अछि वर्तमान देखो आमे जानिचु XB समांतर YD XB समांतर YD AY गुटे छेदक ओ AY एक छेदक अतएव आमे लेखि परिबा कोण एटा एटा समांतर एटा छेदक तेनु एई कोण समान बोली लेखि परिबा ठीक अछि अतएव आमे कहि परिबा x a y m एंगल x a y इज इक्वल टू m एंगल a p c m एंगल a p c एटा हमर p बिंदु y बिंदु एठे अछि ठीक अछि मतलब देखो एटु आमे पाइबा कोण m एंगल a p c केते पाइबा m एंगल a p c इज इक्वल टू 60 डिग्री पाइबा काहे कि ना x a y केते x a y से देछि हमरो x a y x x a o देछि से 60 डिग्री तनु एटा जत 60 डिग्री एटा मध्ये आमे पाइबा केते 60 डिग्री ठीक अछि वर्तमान देखो हमको कोन से पचाछि हमको पचाछि a o c 130 डिग्री प्रमाण करो बोली कहिछि a o c एटा हमको 130 बोली प्रमाण करबा को पड़िबो ठीक अछि वर्तमान a o c आनिबा त्रिभुज OPC रे OPC त्रिभुज रे
AOC, M angle AOC is equal to कौन पाइबा M angle OPC plus M angle OCP पाइबा देखो एटा उडे त्रिभुज एटा हचार बहिष्ठ कोण AOC AOC कोण उडे बहिष्ठ कोण रो परिमाण यार अंतस्थ दूरवर्ती कोण द्वय रो समष्टि सहित समान अंतस्थ दूरवर्ती कोण कोटा एटा ओ एटा वर्तमान पकेबा OPC केते आमे आनिलो बे 60 डिग्री प्लस OCP केते से देछि 70 डिग्री इज इक्वल टू केते आसिला 130 डिग्री आसिला अतएव आमे पाइले कोण M एंगल AOC इज इक्वल टू 130 डिग्री हमको पचाथिला कोण ना AOC 130 डिग्री प्रमाण करो आसिला केते AOC 130 डिग्री प्रमाणित ठीक अछि बहुत सहज एटा एठी कोण कले ना एई पर एई कोण रो परिमाण देछि याकु वर्धित करी एई कोण रो परिमाण को आकु ताकु समान कले बा एठी हमें 60 डिग्री पाइ गले तापर ए दुईटी कोण रो परिमाण दे पर जानि देले तेनु तार बहिष्ठ कोण रो परिमाण ए दुईटा को मिसेकी 130 पर आसिला प्रमाणित हला ठीक अछि बहुत सहज नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन नंबर 13 देखिबा 13 नंबर क्वेश्चन गोटे सरल रेखा अन्य दुईटी समांतर सरल रेखा को छेद कले गोटे सरल रेखा अन्य दुईटी समांतर सरल रेखा को छेद कले प्रमाण कर जे कोनोसी एकांतर कोण दुईटीर अंतः समद्वि खंडक द्वय परस्पर समांतर फर्स्ट बिट ता देखु छु से कोण कहला जे कोनोसी एकांतर कोण दुईटीर अंतः समद्वि खंडक द्वय एकांतर कोण देखो एठी आमे नेलु एटा गुटे एकांतर कोण एटा गुटे एकांतर कोण एमानंकर अंतः समद्वि खंडक अर्थात एही कोण गुडीकर समद्वि खंडक यार समद्वि खंडक हला एटा यार समद्वि खंडक हला यहा हला यह एमाने द्वय सम परस्पर समांतर अर्थात हमको प्रमाण करबे को पड़िबो कोण ना एटा एवं एटा ए दीटा समांतर बोली प्रमाण करबे को पड़िबो ठीक अछि एही एकांतर कोण गुडी करो समद्वि खंडक द्वय परस्पर समांतर बोली प्रमाण करबा फर्स्ट बिट ठीक अछि देखिबा दत्त देला कोण दुईटी समांतर सरल रेखा कहिछि तेनु ए बी समांतर सी डी ईएफ गुठे छेदक एठी से एमाने होचंती ए एकांतर कोण गुडी करो समद्वि खंडक तेनु एच आई होची सी एच जी रो समद्वि खंडक सी एच जी एई कोण रो समद्वि खंडक हला एच आई सेमिति जी जी जे होची कोण बी जी एच रो समद्वि खंडक बी जी एच रो समद्वि खंडक जी जे ए दुईटी ए कोण मानकर समद्वि खंडक प्रमाण करियो कहि छी कोण ए समद्वि खंडक द्वय परस्पर समांतर बा एच आई समांतर जी ए एच आई समांतर जी ए बोली हमको प्रमाण करबा को पड़ियो ठीक अछि देखिबा कि भली प्रमाण करबा हमें जानि छु ए बी समांतर सी डी तेनु एवं ई एफ यार छेदक तेनु ए दुईटी कोण आमे एकांतर जानि छु एकांतर कोण गुडी को समान तेनु आमे लेखि परिबा जेहेतु ए बी समांतर सी डी ओ ई एफ एक छेदक अतएव आमे लेखि परिबा कोण एम एंगल बी जी एच इज इक्वल टू एम एंगल जी एच सी बी जी एच ई कोण आउ एई कोण समान बोली लिखिबा कारण कहीं के माने हेले ना ए माने होचंती एकांतर कोण गुडी को समान अटे दुईटी समांतर सरल रेखा को गोटिए सरल रेखा छेद कले उत्पन्न होतवा एकांतर कोण गुडी को समान अटे एटा होचे हमरो उपपाद्य 5 तेनु हेले हमको कोण प्रमाण करियो पड़िबो एटा एटा समांतर बोली प्रमाण करियो पड़िबो किभली प्रमाण करबा देखो आमे पाइलु कोण बी जी एच इज इक्वल टू जी एच सी पाइलु आमे उभय पट रे जदि हाफ गुणी देबा ताहेले लेखि परिबा हाफ एम एंगल बी जी एच इज इक्वल टू हाफ एम एंगल जी एच सी पाइ परिबा उभय पटे मु हाफ गुणिले 1/2 गुणिली इम्प्लाइज आमे लेखि परिबा हाफ एम एंगल बी जी एच
बी जी एच एई कोणर अधा जेहेतु जी जे होची एई कोणर समद्विखंडक तेणु एई कोणर अधा माने लेखि परिबी जे जी एच एम एंगल जे जी एच लेखि परिबी यार अधा माने एई कोण को लेखि परिबी ठीक अछि सेमिति हाफ एम एंगल जी एच सी जी एच सी कोणर हाफ माने लेखि परिबी जी एच आई एम एंगल जी एच आई देखो यार जेहेतु ये आर समद्विखंडक तेणु यार अधा माने मैं जी एच आई लिखिली सेमिति ये आर समद्विखंडक तेणु यार अधा माने एई कोण को लिखिली बर्तमान देखो एच आई एवं जी जे दुईटी रश्मि अछि एमानकु छेद कला कोण जी एच यार को छेद कला एमाने होचंती एकांतर कोण ए दुईटी कोण होची एकांतर देखो एटा एटा दुईटी सरल रेखा एटी छेद कला ये ये होची एमान दुईटी होची एकांतर कोण आ एकांतर कोण गुडी को समान हेले तेनु आमे कहि परिबा ए दुईटी समांतर अतएव आमे लेखि परिबा एच आई समांतर जी जे बुझिला देखो आमे उपपाद्य छ रे पढ़ीलु दुईटी सरल रेखा को गोटे छेदक छेद कले उत्पन्न हेउथुबा एकांतर कोण गुडिक जदि समान हैला ताहले उक्त सरल रेखा द्वय समांतर एठी देखो एठी दुईटी सरल रेखा हैले एच आई आ जी एच ये गोटे छेदक हैला हेले उत्पन्न होउथुबा एकांतर कोण गुडिक एगुडिक समान बोली पाइले तेणु एठी आमे कहि परिबा एटा एटा समांतर ठीक अछि ए भले आबर आमे उपपद्य 6 को एठी व्यवहार करि परि ठीक अछि हमकु प्रचार प्रमाण करय कहिला कोन एच आई समांतर जी जे आसिला एच आई समांतर जी जे प्रमाणित ठीक अछि सेम देखिबा 2 नंबर बिट को जिबा देखो 2 नंबर बिट रे कोन कहिछि ना कोनोसी सरल रेखा अन्य दुईटी समांतर सरल रेखा उच्छेद कले गोटे सरल रेखा दुईटा समांतर को दुईटा समांतर सरल रेखा उच्छेद कले दुई नंबर बिट कोन कहिला जे कोनोसी अनुरूप कोण दुईटीर अंत समद्विखंडक द्वय परस्पर समांतर सेठी आमर एकांतर कोण कहिला एठी अनुरूप कोण कहिला तेणु एई कोणर अनुरूप कोण एटा ये दुईटार समद्विखंडक द्वय अर्थात एक कोणर समद्विखंडक हला एच आई ई कोणर समद्विखंडक हला जी जे एमाने समांतर अर्थात आमको प्रमाण करिवो पड़िवो कोण प्रामाण्य एच आई समांतर जे जी एतिके आमको प्रमाण करिया को पड़िवो ठीक अछि याको आमे किभलि प्रमाण करिबा देखो ठीक सेमिति ही प्रमाण करिबा जेमिति आगर कले एकांतर कोण को प्रमाण कले देखो जेहेतु ए बी समांतर सी डी ए बी समांतर सी डी एवं ई एफ एक छेदक अतएव एठि उत्पन्न होतबा अनुरूप कोण गुडी कहला कोण ई जी ए एम एंगल ई जी ए इज इक्वल टू एम एंगल ई एच सी ई एच सी एई कोण अनुरूप तेणु आमे ताको समान करि परिबा सेमिति सेठी जेमिति आमे 1 बाय 2 गुणितलु 1 बाय 2 इनटू ई जी ए इज इक्वल टू 1 बाय 2 इनटू एम एंगल ई एच सी करि परिबा नेक्स्ट देखो हाफ एम एंगल ई जी ए र अधा माने आमे लिख परिबा ई जी जे एम एंगल ई जी जे लिखि परिबा ई जी ए र अधा ई जी ए जे जाय काहे कि ना जी जे होची एई कोणर समद्विखंडक सेमिति हाफ एम एंगल ई एच सी र हाफ माने लिखि परिबा ई एच आई एम एंगल ई एच आई देखो बर्तमान देखो एई रश्मि दुईटी कु एई सरल रेखा छेद कला एठी देखो एई कोण आमे समान पाइले अतएव आमे लेखि परिबा एई दुईटी समांतर जेहेतु एगुडिक
अनुरूप कौन अतएव आम लिखिपर जि जे समांतर एच आई देख ए दुईटी रश्मि एटा छेदक ताहले ए दुईटा उत्पन्न होता अनुरूप कोण ए दुईटा जेहेतु समान हला तेणु एटा एटा समांतर हेब एठी मध्ये उपपाद्य 6 को व्यवहार करा गला हमको प्रमाण करिया कोइतला कोण एच आई समांतर जे जी आसिला जि जे समांतर एच आई प्रमाणित ठीक अच्छे बहुत सहज नेक्स्ट देखा क्वेश्चन नंबर 14 देख क्वेश्चन नंबर 14 कौन कही त्रिभुज ए बी सी रे बी इजिक्वल टू सी बी इजिक्वल टू सी बी सी सह समांतर कर अंकित सरल रेखा ए बी और ए सी को यथाक्रमे पी आउ क्यू बिंदु रे छेद करे अर्थात पी क्यू बी सी सहित समांतर हेले से दर्शाओ जे ए पी क्यू इजिक्वल टू ए क्यू पी ए पी क्यू इजिक्वल टू ए क्यू पी ए कोण समान बोली आमको प्रमाण करने को पड़ो ठीक अच्छे दत्त देखा त्रिभुज ए बी सी रे बी इजिक्वल टू सी पी क्यू समांतर बी सी आमको प्रमाण करने पड़ो प्रामाण्य कोण ए पी क्यू इजिक्वल टू ए क्यू पी ठीक अच्छे किभली प्रमाण करवा आमको जना देख पी क्यू समांतर बी सी पी क्यू समांतर बी सी दे ए बी एक छेदक पी क्यू समांतर बी सी ए बी जो छेदक है देख एक कोण अनुरूप कोण हेबे आउ एमानकर परिमाण समान हो अतएव आम लिखिपर एम एंगल ए पी क्यू इजिक्वल टू एम एंगल बी एक कोण समान हेबे कहीं एमाने हेले अनुरूप कोण ठीक अच्छे सेमिति आउ थरे लिखिपर पी क्यू समांतर बी सी एवं एच यार गोटे छेदक ए सी एक छेदक अतएव आम लिखिपर एक कोण अनुरूप तेणु ए दुटा कोण समान कौन लिखिपर एम एंगल ए क्यू पी इजिक्वल टू एम एंगल सी लिखिपर ठीक अच्छे किंतु दत्त दे कोण ना आम बी ए इजिक्वल टू सी दे किंतु दत्त दे कोण एम एंगल बी इजिक्वल टू एम एंगल सी एक आम जो समीकरण एक ना दबा आपको आम समीकरण दुई ना दबा आपको समीकरण तीन ना देवा अतएव समीकरण एक दुई तीन रु समीकरण एक दुई और तीन रु आम कौन लिखिपर देख ये ए पी क्यू इजिक्वल टू बी एडी देला ए क्यू पी इजिक्वल टू सी एडी देला बी इजिक्वल टू सी यार आर एच एस आर आर एच एस समान अतएव एल एच एस एल एस समान कर एम एंगल ए पी क्यू इजिक्वल टू एम एंगल ए क्यू पी लिखिपर एक दुई तीन रु आम लिखिपर एम एंगल ए पी क्यू इजिक्वल टू ए क्यू पी आमको प्रमाण करवा कही कौन एम एंगल ए पी क्यू इजिक्वल टू ए क्यू पी आसला कौन एम एंगल ए पी क्यू इजिक्वल टू ए क्यू पी प्रमाणित ठीक अच्छे बहुत सहज ये कौन प्रमाण कले एटा एटा समान बोली प्रमाण कले एटा एटा समान बोली प्रमाण कले सी दे ए दीटा समान अतएव ए दीटा समान बोली आम लिख ठीक अच्छे बहुत सहज नेक्स्ट देखा क्वेश्चन नंबर 15 देख क्वेश्चन नंबर 15 कौन दला गोटे कोण दुई बाहु अन्य एक कोण दुई बाहु सह समांतर हेले प्रमाण कर जे कोण द्वय समपरिमाण विशिष्ट बा परिपूरक दुईटी जिनस देला गोटे देला समपरिमाण विशिष्ट आउ गोटे हेला परिपूरक कहीं ना देख से कही दुईटी कोण अच्छी से मानकर बाहु माने समांतर से भलिया चित्र दुईटी चित्र आम संभव कर देख एठी गोटे परिस्थिति रे एई भलिया आकार रही पार आउ गोटे परिस्थिति रे एई भलिया आकार रही पार एई परिस्थिति रे आम कही पार प्रमाण कर पार कौन ना से मानकर कोण द्वय समपरिमाण विशिष्ट एठी मध्य बाहु माने समांतर अछंती एई बाहु समांतर एई बाहु समांतर एई परिस्थिति रे आम प्रमाण कर पार
कोण द्वय समपरिमाण विशिष्ट एठी मध्य देखो ई बाहु समांतर ई बाहु समांतर किंतु एठी आमे पाइबा कोण ना कोण द्वयर परिपूरक हि परिबे अर्थात कोण द्वयर समष्टि 180 डिग्री हि परिबो दुईटी परिस्थिति रे दुईटी प्रमाण करबा को पड़िबो ठीक अछि प्रथमे देखिबा प्रथम जिनस आमे समपरिमाण विशिष्ट ई एही चित्र को नै आमे समपरिमाण विशिष्ट हेबे बोली आमे प्रमाण करबा ठीक अछि देखिबा दत्त कोण हला हमरो प्रथम दत्त हला कोण ए बी समांतर डी ई दुईटी कोण अछि सेमानकर ए बी बाहु डी ई सहित समांतर बी सी बाहु ई एफ सहित समांतर ओ बी सी समांतर ई एफ हला ठीक अछि आउ कोण से दैछि ना हमको प्रमाण करियो कहिछि कोण ना कोण द्वय समपरिमाण विशिष्ट प्रामाण्य प्रामाण्य कोण एम एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एम एंगल डी ई एफ एही क्षेत्र रे आमे समपरिमाण विशिष्ट बोली प्रमाण करिबा ठीक अछि कि बोली प्रमाण करिबा देखो ए बी समांतर डीई देइछि ए बी समांतर डीई एवं बी सी यार गोटे छेदक ए बी समांतर डीई बी सी यार गोटे छेदक अतएव आमे कहि परिबा एही कोण अनुरूप कोण तेणु ए दुईटी को समान बोली कहि परिबा कोण एही कोण कोण ना एम एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एम एंगल डी ओ सी कहीं के हेले ए बी सी आउ डी ओ ई डी ओ सी समान हेले ए माने होचंती अनुरूप कोण ठीक अछि या को हम समीकरण 1 को बोले ना दे देबा सेमिति बी सी समांतर ई एफ से देछि बी सी समांतर ई एफ एवं बी सी समांतर ई एफ डी गोटे छेदक अतएव एठी आमे कहि परिबा कोण एही कोण आउ एही कोण समान बोली कहि परिबा एम एंगल डी ओ सी इज इक्वल टू एम एंगल डी एफ कहि परिबा या को काहे कि एमाने मध्य अनुरूप हेले एही कोण आउ एही कोण समान हेबे काहे कि एमाने मध्य अनुरूप कोण ठीक अछि याको हम समीकरण दुई बोली नाम दे देबा समीकरण एक आउ दुई रु आमे जदि देखिबा ए बी सी इज इक्वल टू डी ओ सी दुई रे देखिबा डी ओ सी इज इक्वल टू डी ई एफ अतएव आमे देखि परिबा समीकरण एक ओ दुई रु आमे कोन लिखि परिबा ए बी सी इज इक्वल टू डी ओ सी इज इक्वल टू डी ई एफ अतएव लिखि परिबा एम एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एम एंगल डी ई एफ देखो डी ओ सी ए बी सी सहित समान डी ओ सी डी एफ सहित समान तेणु ए बी सी इज इक्वल टू डी एफ लिख पारिबा हमको प्रमाण करिया कोइ थिला कोण ए बी सी इज इक्वल टू डी एफ बा समपरिमाण विशिष्ट कोण द्वय समपरिमाण विशिष्ट बोली प्रमाण करिया कोइ थिला आसी गला प्रमाणित ठीक अछि गोटे जिनस आमे प्रमाण कलो समपरिमाण विशिष्ट नेक्स्ट आउ देखिबा एबे परिपूरक बोली आमे प्रमाण करिबा सेटा पई आमे एही चित्र को सहाय्य नबा देखिबा आको आमे किभले प्रमाण करिबा देखो एठी मध्य देछि से कोण द्वय रो गोटे कोण रो दुई बाहु अन्य कोण रो दुई बाहु सहित समांतर तेणु एठी मध्य दत्त लिखि परिबा एक्स वाई समांतर क्यू आर एक्स वाई समांतर क्यू आर आउ वाई जेड समांतर पी क्यू वाई जेड समांतर पी क्यू एतिके हमको दत्त देछि प्रामाण्य कोण पाइबा प्रामाण्य देखो प्रामाण्य कोण से कोइछि परिपूरक कोण द्वय परिपूरक बोली हमको प्रमाण करबाक पड़िबो परिपूरक अर्थात एही कोण दुईटा को मिसिले 180 डिग्री हबो प्रामाण्य कोण एम एंगल एक्स वाई जेड प्लस एम एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री
ठीक अच्छे आमको प्रमाण करने को पड़ो प्रमाण देखो आम जानू एक्स वाई समांतर क्यू आर एक्स वाई समांतर क्यू आर जहां से एवं एक्स वाई जेड एक छेदक एवं वाई जेड एक छेदक अतएव आम कौन पाइबा देखो यही कोण अनुरूप कोण पाइबा तेणु ए दिटा को आम समान कर कौन ना एम एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एम एंगल क्यू ओ जेड यही कोण समान बोली पाइबा ठीक अच्छे देखो या को आम समीकरण एक बोली ना देद सेमिति देखो आम जानू क्यू पी समांतर एक्स वाई जेड पी क्यू समांतर वाई जेड पी क्यू समांतर वाई जेड सीए दे ठीक अच्छे अतएव आम कौन कही पारिबा एई कोण आउ एई कोण ए दुईटी कोण रो समष्टि 180 डिग्री पाइबा कहीं आम जानू दुईटी समांतर सरलरेखा छेद कले को एक छेदक छेद कले उत्पन्न होता एक पार्श्वस्थ अंतस्थ कोण द्वय परस्पर परिपूरक एक क्षेत्र में ए दुईटा कोण हूँ एक पार्श्वस्थ अंतस्थ कोण तेणु ए दुईटार समष्टि हम 180 कोण कोण ना पी क्यू आर एम एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू ओ जेड क्यू ओ जेड ए दुईटा मिसले के 180 डिग्री हम कौन पाई हेले ना एक पार्श्वस्थ अंतस्थ कोण एक पार्श्वस्थ अंतस्थ कोण द्वय परस्पर परिपूरक हेबे एठी आमे समीकरण एक रु क्यू ओ जेड रो मूल्य पकईदे पी क्यू आर को पी क्यू आर रखा एम एंगल पी क्यू आर प्लस क्यू ओ जेड मान कौन जान चुमें एक्स वाई जेड तेणु एम एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू आसला 180 डिग्री ठीक अच्छे एठी आमे क्यू ओ जेड बदल तार मूल्य आम एक्स वाई जेड पकेलु जेहेतु आम अलरेडी ए दिटा समान बोली पाइछु वर्तमान देख आमको प्रमाण करने कौन कही एक्स वाई जेड प्लस पी क्यू आर इज गुट 180 आसला पी क्यू आर प्लस एक्स वाई जेड इज गुट 180 प्रमाणित ठीक अच्छे देख क्वेश्चन रे दुईटी चित्र संभव गोटे एटा गोटे एटा एक क्षेत्र में आम दुईटी कोण समान बोली प्रमाण कले एक क्षेत्र में आम दुईटी कोण परस्पर परिपूरक बोली प्रमाण कले ठीक अच्छे नेक्स्ट देखा क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्वेश्चन नंबर 16 कौन कहला गोटे सरल रेखा दुईटी समांतर सरल रेखा को छेद करी सेथिमध्यरु कौनसी गोटे प्रति लंब हेले प्रमाण कर जे ताहा अन्य प्रति मध्य लंब हेबो ठीक अच्छे से कहिछि कोण गोटे सरल रेखा दुईटी समांतर सरल रेखा को छेद कला ए बी समांतर सी डी ए दुईटा समांतर एठी ई एफ गोटे सरल रेखा छेद कला हेले से कहिछि कौनसी गोटे प्रति जदि लंब हेला ताहेले द्वितीय प्रति मध्य लंब हेबो बोली कहिछि से कहिला कोण इजी लंब ए बी एटा इजी लंब ए बी हेले आमे प्रमाण करिया पड़िबो ई एच लंब सी डी बोली प्रमाण करिया पड़िबो ई एच लंब सी डी बोली प्रमाण करिया को पड़िबो ठीक अच्छे अर्थात आमको ये 90 डिग्री बोली प्रमाण कर देले से देछि एटा 90 डिग्री एटा 90 डिग्री बोली प्रमाण कले आमर प्रमाण हे जीव ठीक अच्छे देखो बहुत सहज जिनस देखु देखु जना पड़ जा कौन ए बी समांतर सी डी से तत दे ओ एफ यार एक छेदक अतएव आम कही पार एम एंगल इजिक्वल टू एम एंगल जी एच सी कही पार इजिक्वल टू जी एच सी कही पार कहीं एने अनुरूप कोण ठीक अच्छे आमको देखिए कोण ना से कोण इजी लंब ए बी इजी लंब ए बी इम्प्लाइज आम कही पार एम एंगल इजिक्वल टू
90 डिग्री कहि परबा एटा लंब अर्थात कोण एटा 90 डिग्री अतएव ईजीए जदि 90 डिग्री हला अतएव हम कहि परबा एम एंगल जीएचसी इज इक्वल टू 90 डिग्री हेबो काहे कि ना ईजीए इज इक्वल टू जीएचसी एई कोण समान एबे पाइलु एटा 90 डिग्री अतएव एटा मथ 90 डिग्री कोण एंगल जीएचसी 90 डिग्री मा बा आमे कहि परिबा ईएच लंब सीडी ईएच लंब सीडी एटा 90 डिग्री हला तार अर्थ कोण एटा हा प्रति लंब हमकु प्रमाण करिया कहि दिला कोण ना अन्य प्रति मते लंब होबो बा ईएच लंब सीडी ईएच लंब सीडी पाइले प्रमाणित ठीक अच्छे बहुत सहज ए चैप्टर जाक केवल अनुरूप कोण एकांतर कोण एक पार्श्वस्थ अंतस्थ कोण ए तीनोटी टर्म जदि आमे जानि देबा ए तीनटा पद कोण यार अर्थ कोण जानि देबा ताहले आराम रे ए चैप्टर टा हि परिबो आशा करछु बुझी पारथिबे धन्यवाद।